गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर आ रहा है? एक मिनट रुको, पेन देख लें। अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है नेशनल सिंबल्स के बारे में। पहला चैप्टर जो हमारा था, उसके बाद हमने समझ लिया बैंकिंग इकोनॉमी के बारे में। अब एक डेफिनेशन हम देखें। एक वर्ड है रिसेशन। छोटे छोटे एक दो मीनिंग देख लें, फिर आगे बढ़ें। एक वर्ड है रिसेशन। रिसेशन का क्या मतलब है? रिसेशन का मतलब यही है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डाउन टर्न होना, एक सिग्निफिकेंट डाउन टर्न होना, इकोनॉमी नीचे की तरफ जाना। इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, अगर दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर में जीडीपी का नंबर नेगेटिव आ जाए, दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर में जीडीपी की फिगर नेगेटिव में अगर चली जाए, तो हम मान लेते हैं कि वो इकोनॉमी रिसेशन में है। तो रिसेशन को डिफाइन कैसे करते हैं? इट अकर्स वेन टू कंसेक्यूटिव इट अकर्स वेन टू कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स जीडीपी नंबर इज निगेटिव। इट अकर्स वेन टू कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स जीडीपी नंबर इज निगेटिव। लगातार दो क्वार्टर के जीडीपी के जो आंकड़े आए, अगर वो निगेटिव में आ जाए, तो हम कह देते हैं कि वो इकोनॉमी रिसेशन में चली गई है। दो लगातार क्वार्टर के जीडीपी के आंकड़े अगर निगेटिव में चले जाएं, उसको हम कहते हैं कि ये इकोनॉमी रिसेशन में चली गई। तो रिसेशन क्या बताता है? सिग्निफिकेंट वाइड स्प्रेड एंड प्रोलॉन्ग्ड डाउनटर्न इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बोलचाल की भाषा में आप रिसेशन को क्या कहते हो? इकोनॉमी जो है वो डाउन चली गई है, बोलचाल की भाषा में यही कहते हैं। एक सिग्निफिकेंट वाइड स्प्रेड और प्रोलॉन्ग डाउनटर्न, डाउनटर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, मतलब इकोनॉमी जो है डाउन साइड में जा रही है। और डिफाइन इसको मैथमेटिकली डिफाइन ऐसे किया जाता है, जीडीपी के नंबर अगर लगातार दो क्वार्टर में निगेटिव आ रहे हों, तो वो इकोनॉमी रिसेशन में मानी जाती है। बोलचाल की भाषा में रिसेशन आप ये बोलते हो कि जिस इकोनॉमी में हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सिग्निफिकेंट या ब्रॉडर साइज में डाउन टर्न दिख रहा हो, डाउन साइड में इकोनॉमी जा रही हो, तो बोलचाल की भाषा में तो रिसेशन आप ये जानते हो कि जिस इकोनॉमी में सिग्निफिकेंट वाइड स्प्रेड और प्रोलॉन्ग डाउन टर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जा रहा हो, इकोनॉमी डाउन साइड में जा रही हो, उसको रिसेशन बोल देते हैं। पर कितने टाइम में हम रिसेशन डिक्लेयर कर देंगे या किस सिचुएशन में उस इकोनॉमी को रिसेशन में मान लेंगे, उसका फार्मूला ये है कि लगातार दो क्वार्टर में जीडीपी के नंबर अगर निगेटिव चले जाएं, तो उसको हम उस इकोनॉमी को रिसेशन में मान लेते हैं। वर्ड समझ आ गया? लगातार अभी चर्चा में है कि अमेरिका रिसेशन में जाने वाला है, यूरोप ऑलरेडी दिक्कत है, यूके में दिक्कत है, यूरोप ऑलरेडी रिसेशन में चल रहा है, ये रोज न्यूज सुन रहे हो। तो रिसेशन का मीनिंग ये है। ठीक है,
एक शब्द मैंने आपको बताया था सब्सिडी का क्या मतलब होता है, समझा दिया था, लिखना हो लिख भी लो। इंटरव्यू में कोई पूछ बैठे अगर आपसे सब्सिडी का क्या मतलब है तो आप क्या कहेंगे, वो कमर्शियल या फाइनेंशियल सपोर्ट जो गवर्नमेंट दे रही है उन लोगों को जो अपने इनकम लेवल पर सम बेसिक फैसिलिटीज गुड्स सर्विस अपने लेवल पे वो अवेल नहीं कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो बेसिक चीजों को अवेल कर पाए, उस चीज को हम सब्सिडी कहते हैं। सब्सिडी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सब्सिडी अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हार्मफुल है, ये इकोनॉमी के ऊपर एक बर्डन है। अगर लोग कैपेबल होते, खुद अर्न कर सकते, अपना खर्चा खुद चला लेते तो गवर्नमेंट उस पैसे को कहीं और यूज कर लेती। इकोनॉमी के ऊपर सब्सिडी एक बर्डन है, पर सोशल एंगल देखें तो सब्सिडी बहुत जरूरी है सोसाइटी के उस सेक्शन के सर्वाइवल के लिए। सोशल एस्पेक्ट देखें तो जरूरी है सब्सिडी देना, इकोनॉमिक एंगल देखें तो हार्मफुल है। ठीक है, जीडीपी नंबर नेगेटिव का मतलब, जीडीपी वर्ड मैंने बताया था, जीडीपी का मतलब जैसे इंडिया की जीडीपी इतने परसेंट ग्रो की, जीडीपी का मतलब क्या है, हमारी औकात, हम हर साल कितने, जैसे सुनते हो इंडिया 7% जीडीपी से ग्रो कर रहा है, 8% जीडीपी से ग्रो कर रहा है, तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है जीडीपी हमारा। जैसे हम अपनी बात करें तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है जीडीपी, अगर वो ग्रो कर रहा है तो आप ग्रोथ ट्रैक पे चल रहे हो, और लगातार नेगेटिव जा रहा है इसका मतलब क्या, डिमांड नहीं है, इकोनॉमी स्लो डाउन जा रही है। ठीक है, जीडीपी कैलकुलेट वगैरह करते कैसे हैं वो आगे टॉपिक आएगा, फिलहाल इसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी फिलहाल आप समझ लो जीडीपी का मतलब औकात, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये इसका मतलब है, आगे मैं बताऊंगा कैलकुलेशन वगैरह कैसे करते हैं। तो अगर लगातार दो क्वार्टर में जीडीपी के नंबर नेगेटिव आ रहे हैं मतलब आपकी इकोनॉमी जो है डाउनसाइड जा रही है, डिमांड नहीं है, हालत खराब हो रही है, और पहले क्वार्टर में हो जाए कोई बात नहीं, किसी मान लो टेम्परेरी रीजन से हो गया, पर अगर सेकंड क्वार्टर में भी निगेटिव आ गई इसका मतलब स्थिति गड़बड़ है, अभी एक लॉन्गर प्रॉब्लम की तरफ जा रहा है, एक लॉन्गर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, रिसेशन शब्द का मतलब ये हो गया, कोई लिख रहा है कुछ, ये हो गया कंप्लीट। तो सब्सिडी को डिफाइन करना हो कैसे करेंगे, वो कमर्शियल या फाइनेंशियल सपोर्ट जो गवर्नमेंट दे रही है उस क्लास लोगों के लिए होना चाहिए जो अपने इनकम लेवल पर कुछ बेसिक चीजों को अवेल नहीं कर पाते, वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया सपोर्ट सब्सिडी कहलाता है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यह हार्मफुल है, इकोनॉमी के ऊपर एक एडिशनल बर्डन है सब्सिडी, पर हमारे यहाँ जैसे हम ग्रोइंग फेज में है, हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, काफी बड़ा क्राउड ऐसा भी है जिसके फूड की प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट फ्री राशन उसको दे रही है, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन कोविड के टाइम से दे रहे थे, वो ड्यूरेशन बढ़ाते जा रहे हैं, और कई प्रकार के हेल्थ बेनिफिट देना या राशन देना, इस प्रकार की चीजें उनको मिले, एलपीजी पे सब्सिडी, जिससे वो सर्वाइव कर पाए, बेसिक चीजें उनको मिल पाए, क्योंकि उनकी अर्निंग, उनकी इनकम इतनी नहीं कि अवेल कर पाए। और हमारे यहाँ सोसाइटी में इनइक्वलिटी बहुत है, असमानता बहुत है, रिच और पुअर के बीच में गैप भी बहुत है, जिनके पास पैसा है उनके पास बहुत ज्यादा है, जिनके पास नहीं है उनके सर्वाइवल पे भी खतरा है, तो लोअर क्लास को संभालने के लिए सब्सिडी देना जरूरी है। पहले सब्सिडी में कई जगह गलती भी हो जाती थी, जैसे एलपीजी में सबको सब्सिडी दे देते थे, डीजल सब्सिडाइज था, खेती वेती में जो यूज करते थे डीजल सब्सिडी हुआ करती थी, फर्टिलाइजर सब्सिडी थी, तो कई बार जिनको नहीं जरूरत थी वो भी उसको ले ले रहे थे। पर जब से आधार वाधार को लिंक करना शुरू किया गया, रियल नीडी लोग कौन है उनको सब्सिडी मिले, गवर्नमेंट ने इस पे काम करना शुरू किया, तो कई सारे लोग जो गलत तरीके सब्सिडी का फायदा लेते थे उन लोगों को फिल्टर आउट भी किया गया, उन लोगों को छांटा भी गया, पर तो भी कई लोग हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह बना के यूज करते हैं, टाइम टाइम पे फिल्टरिंग की जाती है कि रियल नीडी कौन है, किसी पर्सन की डेथ हो गई और 5 साल बाद भी सब्सिडी उसके नाम पे जा रही है, तो ये सब टाइम टाइम पे चेक होता है और फिल्टरिंग करते जाते हैं। पर पहले की तुलना में जो लीकेज थी सब्सिडी में उसको कम तो किया गया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है। ठीक है, तो सब्सिडी अगर डिफाइन करना है तो आप इसको कहेंगे इट इज द कमर्शियल और फाइनेंशियल सपोर्ट, इट इज द कमर्शियल और फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर those class of people who cannot afford
और अवेल सम बेसिक फैसिलिटीज फैसिलिटीज भी क्या गुड्स भी हो सकती हैं, सर्विस भी हो सकती है जो नहीं मिल पा रहा उनको, लाइक गुड्स एंड सर्विसेज एट देयर ओन इनकम लेवल, एट देयर ओन इनकम लेवल, इसको हम सब्सिडी कहते हैं। इंटरव्यू अगर पूछ लेता है कई बार, तो इट इज द कमर्शियल और फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर दोज क्लास ऑफ पीपल हु कैन नॉट एफोर्ड और अवेल सम बेसिक फैसिलिटी एट देयर ओन इनकम लेवल। तो इट इज हार्मफुल फॉर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू बट इंपॉर्टेंट फॉर सोशल एस्पेक्ट, सोशल एंगल देखे तो जरूरी है। हार्मफुल फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, हार्मफुल फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इट कॉज एडिशनल इकोनॉमिक बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, एडिशनल इकोनॉमिक बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। तो इसीलिए तो गवर्नमेंट सब्सिडी कम करती जा रही है, जहां जहां लग रहा है कि सब्सिडी का लीकेज हो रहा है या सब्सिडी मिसयूज हो रही है, सब्सिडी इसीलिए गवर्नमेंट उन जगहों पे कम करती जा रही है। वहां पे पैसा बचाना कैसे है भाई, पैसा बांटना कोई अच्छी चीज तो नहीं है ना, फ्रीबीज देना या पैसा बांटना तो अच्छी चीज नहीं है। या सब्सिडी कई चीजों में परसेंटेज डिसाइड कर देते हैं, सब्सिडी का मतलब ऐसा नहीं कि सारी चीजें फ्री होंगी। जैसे आप सोलर पैनल खरीदते हो, अब पेट्रोल डीजल वगैरह को रिप्लेस करने के लिए, कोल को रिप्लेस करने के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो एक अच्छा ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, जैसे कि सोलर पैनल हो गए, तो ये तो एक जरूरी चीजें हैं इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स इन चीजों के लिए। तो सोलर पैनल इनिशियल कॉस्ट उसकी ज्यादा होती है, सोलर पैनल आप खरीदने जाएंगे तो उस पर सब्सिडी है, वो जरूरी है इन्वायरमेंट के हिसाब से, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। सोलर पैनल आप खरीदने जाएंगे तो सोलर पैनल की इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होती है, शुरुआत में महंगे पड़ते हैं वो, तो सोलर पैनल गवर्नमेंट सब्सिडी इसीलिए देती है, कुछ परसेंटेज सब्सिडी है, वो 100% फ्री नहीं है, परसेंटेज सब्सिडी दी जाती है उस पर ताकि सस्ता पड़ेगा, लोगों को इंकरेजमेंट होगा, मोटिवेशन आएगा, घरों में लगाएंगे। तो गवर्नमेंट का ये जो फ्यूल वगैरह का वो इशू है, फ्यूल हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है वैसे भी, तो वो थोड़ा कम हो जाएगा, प्लस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में भी बहुत खर्चा हमारा होता है, लॉन्ग टर्म में उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो सब्सिडी का मतलब हर चीज फ्री देना नहीं है, कुछ परसेंटेज भी ऑफर दे सकते हैं, फ्री भी दे सकते हैं। जैसे एलपीजी पूरी पूरी फ्री नहीं है, सब्सिडाइज है, कुछ परसेंटेज उस पर सब्सिडी है, ठीक है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हार्मफुल है बिकॉज इट कॉज एडिशनल इकोनॉमिक बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, बट सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सोसाइटी में इनइक्वालिटी बहुत है, रिच और पुअर में गैप बहुत है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। बट इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर लोअर क्लास पीपुल्स सर्वाइवल, मतलब हम इसके सोशल बेनिफिट की बात कर रहे हैं, हम इसके सोशल बेनिफिट की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक एंगल देखें तो हार्मफुल है भाई, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, जो पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट थोड़ी चाहती है पैसा बांटना, पर मजबूरी है पैसा देना पड़ेगा। तो हार्मफुल फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इट कॉज एडिशनल इकोनॉमिक बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, बट इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर लोअर क्लास पीपल सर्वाइवल, सोशल बेनिफिट है इसका। तो सब्सिडी का इकोनॉमिक एंगल देखे तो हार्मफुल, सोशल एंगल देखे तो इट इज वेरी मच यूजफुल। अब वोट बैंक पॉलिटिक्स का भी तो गेम हो जाता है ना, जैसे दिल्ली में फ्री इलेक्ट्रिसिटी, हिमाचल में उन्होंने फ्री बीज बांटना शुरू किए, तो इकोनॉमी पे और बर्डन डालते जा रहे हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में इकोनॉमी के ऊपर और बर्डन पड़ता जाता है। पर दिल्ली गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन ये देती है कि भाई जो हम फ्री बीज बांट रहे हैं उससे हम कोई दिल्ली के बजट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, दिल्ली का जो रिवेन्यू कलेक्शन है वो और मेजर्स और तरीकों से हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि बिजली पानी फ्री करने से दिल्ली में कोई लॉस नहीं हो रहा है, हम और तरीकों से रिवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। जस्टिफिकेशन वो ये देते हैं कि सब्सिडी देने से दिल्ली में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हम और तरीके से रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हमने करप्शन को कंट्रोल कर लिया, जो कलेक्शन टैक्स वगैरह का आता है ईमानदारी से लोग टैक्स दे रहे हैं,
रेवेन्यू बढ़ रहा है, जस्टिफिकेशन उसका ये दिया जाता है। पर फ्रीबीज जो हैं लॉन्ग टर्म में अगर इकोनॉमी को डेंट लगा रहे हैं तो उनको चेक एंड बैलेंस करना जरूरी है, कंट्रोल करना जरूरी है, उसमें लीकेज को रोकना जरूरी है। पूरी तरह से जीरो तो नहीं कर सकते पर उसमें लीकेज, कोई मिसयूज कहाँ हो रहे हैं, गलत लोग किनको मिल रहा है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है क्योंकि वो इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। फिर चलो ये छोटे छोटे टर्म थे, डेफिनेशन क्लियर हो गई। एक करंट का जरा अपडेशन लिख लो, ये हो गया, आगे बढ़े आगे बढ़े, कोई लिख रहा है तो लिखो भाई। सबसे पहले हमने रिसेशन के बारे में समझाया, रिसेशन का क्या मीनिंग है, ये रिसेशन की बात हो गई ऊपर। दूसरा हमने बताया सब्सिडी के बारे में, सब्सिडी को डिफाइन कैसे किया जाएगा। कल आपने, कल क्या 2-4 दिन से एक न्यूज सुनी होगी और महाराष्ट्र में तो काफी समय से चल रहा है, क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देना। पॉलिटी में हमने पढ़ाया था आपको कि 6 क्लासिकल लैंग्वेज अभी तक हैं, अभी तक 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। मीनिंग क्या होता है मैं बता देता हूं अभी। ये हो गया भाई, आगे बढ़े। देखो करंट का एक क्वेश्चन है, क्लासिकल लैंग्वेज, ये पॉलिटी में भी पढ़ाया था हमने, क्लासिकल लैंग्वेजेस। क्लासिकल लैंग्वेजेस अभी टोटल हो चुकी हैं 11। हमने पढ़ाया था 6 लैंग्वेज थी अभी तक, जिसमें तमिल, संस्कृत, तमिल संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। इनमें आपसे जीके में क्वेश्चन पूछ ले, 2014 में उड़िया को स्टेटस मिला था क्लासिकल लैंग्वेज का और तमिल फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज थी 2004। तमिल थी फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज, इसको स्टेटस दिया था 2004 में। ये क्लासिकल लैंग्वेजेस डिसाइड करने का जो सारा वो क्राइटेरिया वगैरह था 2004 में ही शुरू किया गया। ये 2004 में ही क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस देने की बात शुरू की गई और सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज बनी थी तमिल, उसके बाद संस्कृत। तमिल सबसे पहली थी, फिर संस्कृत क्लासिकल लैंग्वेज बनी है और लास्ट बनी थी उड़िया 2014 में। अराउंड 11 ईयर से डिमांड चल रही थी कि मराठी को भी क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दे दिया जाए। अभी 5 लैंग्वेज ऐड हो गई हैं। अब करंट का क्वेश्चन क्या है, 2024 5 मोर क्लासिकल लैंग्वेजेस वर अप्रूव्ड बाई यूनियन कैबिनेट। मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट का जितने मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे मिनिस्टर कैबिनेट का पार्ट नहीं होते। पॉलिटी में पढ़ाया था, रियल पॉलिसी मेकर, रियल गवर्नमेंट अगर आप कहो तो आप कहोगे कैबिनेट है रियल गवर्नमेंट। क्यों? गवर्नमेंट में तो 70+ मिनिस्टर हैं, सेंटर में, केंद्र में 70+ मिनिस्टर्स हैं, पर वो सारे मिनिस्टर कैबिनेट का पार्ट नहीं होते। उनमें से जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो वाले मिनिस्टर हैं, जैसे पीएम, होम मिनिस्टर, फाइनेंस, डिफेंस, ये जो मेन मेन पोर्टफोलियो वाले मिनिस्टर हैं उनको मिला के बनती है कैबिनेट। तो 70 मिनिस्टर्स हर मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। कैबिनेट की जो मीटिंग है उसमें मेन मेन जो पोर्टफोलियो है, बड़े बड़े पोर्टफोलियो हैं, वो कैबिनेट का हिस्सा होते हैं। तो डिसीजन वगैरह ज्यादातर कैबिनेट लेता है। तो रियल गवर्नमेंट अगर आपसे कोई पूछे तो रियल गवर्नमेंट आप कह सकते हैं कैबिनेट। तो कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दे दिया है, 5 मोर क्लासिकल लैंग्वेज वर अप्रूव बाई यूनियन कैबिनेट। ये अक्टूबर 2024। अब करंट का क्वेश्चन जो है वो क्या है, कौन कौन सी लैंग्वेज को अभी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। मराठी की डिमांड 11 साल से चल रही थी, अब ये अप्रूवल मिल गया, मराठी ऐड हो गई है। एक ऐड हो गई है असमीज, असमी, बंगाली, कुछ होती हैं प्राकृत भाषाएं, प्राकृत,
और एक लैंग्वेज है पाली। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो आपको पाली में मिलेगा। बुद्धिज्म का लिटरेचर जो है हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बुद्धिज्म का जो लिटरेचर है वो पाली भाषा में लिखा है। तो पांच लैंग्वेज अभी जो ऐड हो गई हैं वो ये पांचों हैं, ये करंट का क्वेश्चन है। टोटल क्लासिकल लैंग्वेज हमारे पास हो गई है 11, ये ऐड कर लो जरा। टोटल क्लासिकल लैंग्वेज हो गई है 11, नोट करना है, नोट करो इसको। सिक्स थी लास्ट उड़िया ऐड हुई थी 2014 में। 2024 में ये फाइव लैंग्वेज ऐड हो गई है, मराठी, असमी, बंगाली, प्राकृत एंड पाली। मराठी को लेके 2011 से डिमांड हो रही थी, सॉरी 11 साल से डिमांड हो रही थी, 11 ईयर से डिमांड कर रहे थे मराठी के लिए। और ये पूरा जो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस है ये कंसेप्ट ही शुरू हुआ है 2004 से, ये इंट्रोड्यूस हुआ है 2004 से, इंट्रोड्यूस इन 2004, 2004 से आया ये कंसेप्ट। भाई सिविल सर्विसेज क्वेश्चन पूछेगा तो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बना देगा, ये फाइव लैंग्वेज अभी ऐड हुई है एक पॉइंट बना देगा, दूसरा पॉइंट बना देगा फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज संस्कृत थी ऐसे लिख देगा, तमिल थी पहली। तो मल्टीपल स्टेटमेंट में वहां टफ क्वेश्चन हो जाएगा। आरआरबी वगैरह में पूछेगा तो क्या पूछ लेगा, इनमें से कौन अभी एक क्लासिकल लैंग्वेज ऐड नहीं हुई है या ऐड हुई है ऐसा पूछ लेगा, कुछ पुरानी लिख देगा एक आध नई लिख देगा, ऐसा क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़े। तो 2004 का ये कंसेप्ट है और अभी जो लैंग्वेज ऐड हुई है ये टोटल हो गई है 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस, अभी हो गई है टोटल 11, टोटल 11। अब समझिए क्या मतलब है इसका। ये डिसाइड कौन करेगा, कैसे डिसाइड होगा क्लासिकल लैंग्वेज है कि नहीं, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसके अंडर में आता है और बनाई जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बनाती है एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स कमेटी, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स कमेटी बनाई जाती है जिसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स लिए जाएंगे, लैंग्वेज के जो एक्सपर्ट्स होंगे उनको लिया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है, पहले वो देखेंगे, कमेटी बनाई जाएगी जो भाषा के एक्सपर्ट लोग हों वो उस लैंग्वेज को रिव्यू करेंगे, उसकी हिस्ट्री देखेंगे, उसमें पुराने टेक्स्ट वगैरह कब के अवेलेबल हैं, उसमें जो चीजें हैं क्या वो किसी और लैंग्वेज से कॉपी की गई हैं, बोरो की गई हैं क्या, या वो ओरिजिनल कंटेंट है जो लिखा गया है। तो भाषा की एक्सपर्ट कमेटी होती है, वो रिव्यू करते हैं, फिर वो अपनी रिपोर्ट बना के दे देंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये भेज देगा गवर्नमेंट को, वहां से फिर कैबिनेट का अप्रूवल मिलेगा, ये इसका प्रोसेस है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सारा ये जो नियम कानून है सब यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज भाषा लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी, ये सारे प्रोविजन देखेंगे, ये प्रोविजन देखेंगे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब अगला स्टेटमेंट ये हो सकता है कि क्लासिकल लैंग्वेज वाला जो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है सारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। होना चाहिए, ओरिजिनल लिटरेरी, ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन दैट इज नॉट बोरोड फ्रॉम एनी अदर स्पीच कम्युनिटी। एक तो ये होना चाहिए। पहले क्या था, पहले ये था कि इसमें एंशियंट टेक्स्ट वगैरह भी अवेलेबल हो, एंशियंट टेक्स्ट हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड, हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स या स्क्रिप्ट्स वगैरह हो, ऐसा कुछ हो जो 1000 ईयर ओल्ड हो। पहले एक रूल था 2004 में कि 1000 ईयर ओल्ड इसमें कुछ ऐसा मिल जाए कंटेंट, ओरिजिनल लैंग्वेज तब माना जाएगा,
बाद में इसको रिवाइज करके इन्होंने कर दिया था 1500 से 2000 ईयर्स ओल्ड, बाद में कर दिया था 1500 से 2000 ईयर्स ओल्ड। इसमें स्क्रिप्ट वगैरह कुछ मिल जाए, पहले 1000 ईयर का क्लॉज था यहां पर, बाद में रिवाइज करके इसको 1500 से 2000 ईयर ओल्ड, इतना पुराना रिकॉर्ड उस लैंग्वेज में हो कहीं मिल जाए। तो क्लासिकल लैंग्वेज होने के लिए पहले देखा जाएगा ओरिजिनल लिटरेरी कंटेंट है कि नहीं, ओरिजिनल लिटरेरी कंटेंट है कि नहीं। तो एंशियंट टेक्स्ट, हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड, स्क्रिप्ट या लिटरेचर। एंशियंट टेक्स्ट, हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड, स्क्रिप्ट या लिटरेचर जो कम से कम 1500 से 2000 ईयर ओल्ड होना चाहिए, कम से कम इतना पुराना होना चाहिए। क्लियर है? तो क्लासिकल लैंग्वेज के लिए क्या नियम है, किसको क्लासिकल लैंग्वेज बनाएंगे? तो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर स्टेब्लिश करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आएगा, वो रिव्यू करेंगे उस लैंग्वेज में कि क्या वो लैंग्वेज ओरिजिनल, उसमें वर्क मिलता है जो किसी और लैंग्वेज से मैच ना कर रहा हो, किसी और लैंग्वेज से कॉपी ना हो। दूसरा, क्या उसमें 1500 से 2000 ईयर ओल्ड कोई एंशियंट टेक्स्ट, स्क्रिप्ट, हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड या लिटरेचर कुछ है जो उस भाषा में मिलता हो? मतलब क्या वो एक रिच कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है? क्या वो भाषा किसी रिच कल्चर को बता रही है? ऐसा भी वर्ड आ जाए कि मान लो कोई रिच कल्चर, किसी रिच कल्चर के बारे में क्या उस भाषा में कुछ मिल रहा है हमें कंटेंट वंटेंट, तो उस भाषा को ये सब रिव्यू करके देखेंगे, अगर ये सेटिस्फाई करेगा तब उसको डिक्लेयर कर देंगे क्लासिकल लैंग्वेज। समझ आ गया? कोई डाउट किसी को इसमें? एक क्वेश्चन आप पूछ रहे थे सौरव, क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है और इसको ऐड करने से बेनिफिट क्या है। इसको ऐड करने से भाषा के प्रोटेक्शन के लिए यूजीसी से ग्रांट वगैरह भी मिलेगा, कोर्सेज वगैरह भी पढ़ाए जाएंगे, कई तरह के बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। एडिशनल एक जनरल लैंग्वेज की तुलना में इन लैंग्वेज के प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट और प्रयास करेगी, यूजीसी वगैरह से भी इसके बेनिफिट और कई कोर्सेज वोर्सेज क्या क्या बेनिफिट है इसमें। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, फंडिंग वंडिंग प्रोटेक्शन के लिए नियम कायदे सब बनाए जाएंगे, मतलब एक जनरल लैंग्वेज की तुलना में क्लासिकल लैंग्वेज के प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा एफर्ट होगा। रिच कल्चर का क्या मतलब होता है यार? ये जो भाषाओं में कोई काम किया गया है, कुछ लिखा गया है, वो भाषा उस कल्चर, किसी कल्चर को भी के बारे में बता रही हो, उस भाषा में कुछ लिखा गया है तो कोई रिच कल्चर को भी डिपिक्ट कर रही हो, कुछ बता रही हो, रिप्रेजेंट कर रही हो। रिच मतलब अमीर से बात नहीं कर रहा हूं मैं, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लो, कोई रिच लैंग्वेज, रिच लैंग्वेज वर्ड लिख लो चाहो तो आप। रिच लैंग्वेज का मतलब अमीर गरीब नहीं है, रिच मतलब उसमें इतने वर्ड हैं, इतना उसमें एक्सप्रेशन है भाषा में, उस भाषा में इतनी खासियत है, रिच लैंग्वेज का मतलब हो गया यहाँ पर। तो रिच लैंग्वेज का मतलब जो भाषा से मराठी है तो उसमें इतना कुछ टेक्स्ट मिल जाए, रिकॉर्ड मिल जाए, वो किसी कल्चर को बता रही है उस समय के बारे में, भाई जहां जहां वो लैंग्वेज बोली जाती होंगी उस समय की चीजों को ही बता रहा है, उस कल्चर को ही बता रहा है। एनरिचमेंट वर्ड से मतलब है इसका, रिच से मतलब अमीर गरीब मत सोचो। आगे बढ़े, चलो यही कंसेप्ट है बस, इसमें और कुछ नहीं, इससे ज्यादा क्या पूछेगा। तो पहले यहाँ पे 1000 ईयर का नियम था कि 1000 ईयर से पुराना अगर कोई रिकॉर्ड मिल जा रहा है तो मान लेंगे, रिवाइज करके इसको बाद में 1500 से 2000 कर दिया गया था। अर्लियर इट वॉज 1000 ईयर ओल्ड, यहां लिख दे रहा हूं मैं, अर्लियर इट वॉज 1000 ईयर्स ओल्ड। पहले अगर 1000 साल पुराना रिकॉर्ड मिल जाता था तो भी मान लेते थे, अभी इसको बढ़ाकर 1500 से 2000 कर दिया बाद में रिवाइज करके। ठीक है, अरे मैं कह रहा हूँ यूजीसी उसके अलग से कोर्सेज वगैरह बना के उनके प्रोटेक्शन के लिए फंडिंग वंडिंग गवर्नमेंट करेगी, बोल तो रहा हूं मैं। बाकी बेनिफिट चेक करके देख लो ना, आ जाएगा उसमें क्या क्या फायदे और होंगे, क्लासिकल लैंग्वेज होगा तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, चेक नहीं कर सकते हो? जब सारी कहानी मैंने बता दी और तुमको और डिटेल में जानना है तो चेक नहीं कर सकते मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पे, क्लासिकल लैंग्वेज होगा तो क्या क्या बेनिफिट होंगे, यूजीसी वगैरह, दो तीन पॉइंट मैं बोल ही रहा हूं आपसे।
अब कोई आपके इंटरेस्ट की चीज है तो वो चेक कर लो ना यार, या गूगल वूगल भूल चुके हो, कुछ होता है क्या होता है। गाना सुनना हो, मूवी देखना हो तो मेरे से नहीं पूछना पड़ेगा, एक आध पॉइंट देखना तो परेशान हो रहे हो। जितनी जरूरी चीजें वो बता दी मैंने, बाकी इनके बेनिफिट के, इनके प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा इंफोसिस दिया जाएगा, खर्चा वर्चा किया जाएगा। कुछ सेंटर वेंटर भी बन सकते हैं इनके, इन लैंग्वेजेस के सेंटर वेंटर भी अलग से हो सकते हैं। ठीक है चलो अगला पॉइंट। अब हमें कंसेप्ट समझना है नीति आयोग के बारे में। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग से रिलेटेड। अभी लिखो कुछ मत, समझो पहले। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? एक तो पॉवर्टी बहुत थी, गरीबी बहुत थी, और इंडिया इंडिया था ही नहीं, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स वगैरह में डिवाइडेड था इंडिया। तो अब नेहरू पीएम बने, ऐसे कंट्री के पीएम बने जहां स्थिति बहुत खराब थी, कुछ ऑर्गेनाइज नहीं था। 1950 में ही बनाया, अब ये टारगेट आया कि इंडिया को कैसे ग्रो करेंगे, कंट्री इंडिपेंडेंट तो हो गया, अब इसको ग्रो कैसे करेंगे, डेवलप कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक बॉडी बनाई जाए। ध्यान से सुनो सारी कहानी। इसके लिए एक बॉडी बनाई जाए जिसका नाम होगा प्लानिंग कमीशन, और ये मार्च 1950 में ये बन गया था। मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन बना। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में लिखी हुई बॉडी है? नहीं, ये थी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। प्लानिंग कमीशन थी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में लिखी है, ना ही पार्लियामेंट से कोई एक्ट बना के इसको बनाया गया। तो मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन बना, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है किसी आर्टिकल में, और ना ही ये कोई एक्ट बना के पास किया गया, तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, जिसका चेयरमैन पीएम, कई सारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन होते हैं, इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, तो पीएम की पोस्ट पीएम है, पर वो पीएम होने के साथ साथ कई सारे डिपार्टमेंट के हेड हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पॉलिटी में भी, नीति आयोग का हेड कौन है? प्लानिंग कमीशन के हेड पीएम थे, प्लानिंग कमीशन अभी चेंज होकर नीति आयोग बन चुका है। एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके भी हेड कौन है? पीएम है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पीएम, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी पीएम, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो नेशनल गंगा काउंसिल हो गई वहां भी पीएम, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वहां भी पीएम, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक बॉडी थी उसमें भी, तो पीएम 11-12 मैंने बताया था, सीएसआईआर का चेयरमैन वो भी पीएम, 11-12 संस्थाएं बताई थी उनका हेड पीएम होता है। उसी तरह से प्लानिंग कमीशन का भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता था? पीएम। प्लानिंग कमीशन का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन पीएम, ठीक है सबसे। और इसमें फिर कौन होता है? इसमें होता है चेयरमैन के बाद होता था वाइस चेयरमैन, चेयरमैन के बाद होता था वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन सबसे पहले कौन थे? ये आपका जीके का क्वेश्चन। प्लानिंग कमीशन जब बनी उसके पहले वाइस चेयरमैन कौन थे? ये नोट लिख लो जरा। फर्स्ट वाइस चेयरमैन, फर्स्ट वाइस चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के थे गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। और प्लानिंग कमीशन जब खत्म हुई है, नीति आयोग बन गई है, तो लास्ट वाइस चेयरमैन उस समय थे एमएस अहलूवालिया, लास्ट वाइस चेयरमैन रहे एमएस अहलूवालिया, ये लास्ट वाइस चेयरमैन थे एमएस अहलूवालिया। क्यों प्लानिंग कमीशन को चेंज करना पड़ा, नीति आयोग क्यों बनाना पड़ा? तो प्लानिंग कमीशन मार्च 1950 में बना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, पार्लियामेंट के किसी एक्ट से भी नहीं बना है, तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। चेयरमैन यहाँ पीएम होते थे, फर्स्ट वाइस चेयरमैन, चेयरमैन के बाद सेकेंड पोस्ट होती है वाइस चेयरमैन, चेयरमैन के बाद वाइस चेयरमैन। तो पहले वाइस चेयरमैन गुलजारी लाल नंदा थे, और जब ये खत्म होकर नीति आयोग बन गया है उस समय लास्ट वाइस चेयरमैन थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, एमएस अहलूवालिया।
क्या रीजन था, इसको खत्म क्यों करना पड़ा वो मैं बताता हूँ। पहले इसका बैकग्राउंड देखें, प्लानिंग कमीशन ने जो कुछ काम किए इंपॉर्टेंट, जरा वो देखें हम। प्लानिंग कमीशन जो अब ये 5-5 ईयर के प्लान बनाते थे, इनका काम क्या था प्लानिंग कमीशन का, इनका फंक्शन था टू प्रिपेयर 5 ईयर प्लान एंड सेट 1 ग्रोथ टारगेट। इनका काम ये होता था, फंक्शन ये होता था टू प्रिपेयर 5 ईयर प्लान एंड सेट ए ग्रोथ टारगेट। टू प्रिपेयर 5 ईयर प्लान और सेट करो ग्रोथ टारगेट। तो इसमें क्या करते थे, 5 ईयर की प्लानिंग करते थे कि कंट्री को हमें कितना जीडीपी से ग्रो कराना है। 5-5 ईयर की प्लानिंग करता था प्लानिंग कमीशन कि हमें इस 5 ईयर में कंट्री को कितना ग्रोथ देना है, कितना आगे ले जाना है। और अलग अलग 5 ईयर प्लान में इनका जो फोकस था अलग अलग एरियाज में था। अलग अलग 5 ईयर प्लान में इनका जो फोकस था वो अलग अलग एरिया में था। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इनका फोकस था एग्रीकल्चर वाला एरिया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फोकस रखा गया था एग्रीकल्चर वाला एरिया। सेकेंड 5 ईयर प्लान में फोकस था हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह इंडिया में सेटअप करना, हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह को सेटअप करना। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये 1951 में आया और 56 तक चला, ये ड्यूरेशन था इसका। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 से 56, इसका जो फोकस था वो था एग्रीकल्चरल ग्रोथ, फोकस था एग्रीकल्चरल ग्रोथ। और इसके इसको किस तरह से ग्रो कराएंगे, एग्रीकल्चरल ग्रोथ कैसे अचीव करेंगे, वो मॉडल जो बनाया था, जिस मॉडल पे बेस्ड था, उसका नाम था हैरड डोमार मॉडल, बेस्ड ऑन हैरड डोमार मॉडल। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 से 56 तक के लिए फोकस था एग्रीकल्चरल ग्रोथ और ये इस मॉडल पर बेस्ड था। किस क्या क्या चीजें हम करेंगे, वो मॉडल ये मॉडल अडॉप्ट किया गया था, हैरड डोमार मॉडल, कि इसको अडॉप्ट करके हम इस मॉडल के बेसिस पे कैसे कैसे ग्रो करेंगे। भाई हमें डैम बनाने हैं, इरिगेशन चाहिए, तो एग्रीकल्चर के लिए आपको पानी भी चाहिए, डैम भी चाहिए, ये सारी चीजें डेवलप की जाएंगी। तो सारा जो डेवलपमेंट था वो इस मॉडल पे बेस्ड, हैरड डोमार मॉडल पे बेस्ड था। सेकेंड 5 ईयर प्लान में फिर टारगेट किया गया रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज वगैरह को बढ़ावा दिया जाए। भाई इंडिया में सबसे जरूरत क्या थी, जब हम इंडिपेंडेंट हुए खाने को नहीं था, भुखमरी थी, गरीबी थी, भुखमरी थी, अनाज तक बाहर से लेना पड़ता था। तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ जरूरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि 1956 से लेके 61 ड्यूरेशन था इसका, और इसका फोकस एरिया था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इसका फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही कई इंडस्ट्रीज वगैरह लगाई गई, 3 बड़े स्टील प्लांट भी लगे थे इसी सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में किया जाए। 1956 से 61 ड्यूरेशन था और ये बेस था नेहरू और स्टेटिस्टिक्स के एक बड़े एक्सपर्ट थे पीसी महलनोबिस, शायद आपने नाम सुना हो पीसी महलनोबिस। स्टेटिस्टिक्स सांख्यिकी होता है, अरे जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब पढ़ते हो, स्टेट्स, मीन, मीडियन, मोड, ये सब। स्टेटिस्टिक्स के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे पीसी महलनोबिस, पीसी महलनोबिस। तो नेहरू और महलनोबिस प्लान पे बेस्ड था ये, बेस्ड ऑन नेहरू महलनोबिस प्लान, ये इस पर आधारित था। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है वो कैसे होगा, किस मॉडल पर बेस था, नेहरू महलनोबिस प्लान पर बेस था। और इसी सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान 3 स्टील प्लांट भी लगे थे, 3 स्टील प्लांट ड्यूरिंग सेकेंड 5 ईयर प्लान,
स्टील प्लांट्स वर ऑल्सो सेट अप विद फॉरेन असिस्टेंस विद फॉरेन असिस्टेंस बाहरी देशों की मदद से स्टील प्लांट लगे थे तीन. तो ड्यूरिंग सेकेंड फाइव ईयर प्लान थ्री स्टील प्लांट्स वर ऑल्सो सेटअप विद फॉरेन असिस्टेंस. देखो ये था दुर्गापुर, ये प्लांट थे दुर्गापुर लगा था विद द हेल्प ऑफ यूके, विद द हेल्प ऑफ यूके. दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल, किस रिवर के किनारे है, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया आरआरबी वगैरह के लिए. दुर्गापुर विद द हेल्प ऑफ यूके, यूके की मदद से लगा था, वेस्ट बंगाल में पड़ता है ये. किस रिवर के किनारे है दुर्गापुर, बोलो भाई. और बड़ी पॉल्यूटेड रिवर है, जो रिवर के किनारे है वो बड़ी पॉल्यूटेड रिवर है. तो एक दुर्गापुर लगा था, एक लगा था भिलाई छत्तीसगढ़, उस समय तो छत्तीसगढ़ नाम नहीं था, भिलाई में लगा अभी छत्तीसगढ़. ये लगा था यूएसएसआर की मदद से, भिलाई छत्तीसगढ़, ये लगा था विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर. एक और प्लांट लगा था राउरकेला उड़ीसा में, राउरकेला उड़ीसा जर्मनी तो उस समय टूटा हुआ था, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, जर्मनी उस समय टूटा हुआ था. अब इन जनरल जर्मनी लिख दो, चलो यही लिख दो, अब तो ईस्ट वेस्ट नहीं है, मर्ज हो चुका है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी टूट गया था ना, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी बन गया था वो, अब तो खैर मर्जर हो गया, 1990 में मर्जर हो गया था जर्मनी का फिर से. तो ये तीन स्टील प्लांट दुर्गापुर भिलाई राउरकेला, ये तीन लगे थे इनकी मदद से सेकेंड फाइव ईयर प्लान के समय. दुर्गापुर दामोदर रिवर के किनारे, बिल्कुल सही. कोई कुछ लिख रहा है ऊपर, पहले ये बताओ यहां से जो मैंने लिखा है, कोई कुछ नोट कर रहा है तो करो फिर आगे लिखें, कोई कुछ पॉइंट नोट कर रहा है तो कर लो फिर हम आगे बढ़े इसमें. पहले बैकग्राउंड समझ लो तो समझ आएगा नीति आयोग बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी हमें, प्लानिंग कमीशन तो था हमारे पास. कोई कुछ नोट कर रहा है तो बताओ भाई. आगे बढ़े, दुर्गापुर नोट कर लो, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ दामोदर. दामोदर पॉल्यूशन को लेकर बहुत चर्चा में रहती है. दुर्गापुर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ दामोदर रिवर. उसके बाद इंदिरा गांधी के टाइम पर जो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान था, फिफ्थ फाइव ईयर प्लान, उसमें मेन मोटिव क्या था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था इन्होंने. फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया था, इसका जो फोकस था वो था पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी हटाओ, पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी हटाओ का मोटिव था इसका. और स्लोगन दिया था इंदिरा गांधी ने, गरीबी हटाओ, फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के टाइम पर. और गरीबी क्या हटाओ, इमरजेंसी लग गई 75 में. इसका ड्यूरेशन चेक कर लो, 1974 से 78 के बीच था जहां तक मुझे याद है, इसका ड्यूरेशन जो था शायद 74 से 78 था. तो पॉवर्टी एलिविएशन इसका फोकस था, स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ. किसने दिया था स्लोगन, बाई इंदिरा गांधी, बाई इंदिरा गांधी. लास्ट फाइव ईयर प्लान जो 12th फाइव ईयर प्लान था, ये लास्ट फाइव ईयर प्लान जो 2012 में शुरू हुआ था और फाइव ईयर इसको पूरे करने थे, 2017 तक चलना था. तो 12th फाइव ईयर प्लान, ये लास्ट फाइव ईयर प्लान था जो 12 से 17 इसकी ड्यूरेशन थी. और इसका थीम था, इसका फोकस था, इसका थीम था फास्टर
more inclusive, faster, more inclusive and sustainable growth. Faster, more inclusive and sustainable growth. ये इसका थीम था लास्ट फाइव ईयर प्लान का. Faster, more inclusive and sustainable growth. तो फिफ्थ वाले में गरीबी हटाओ पॉवर्टी एलिवेशन मोटिव था और ट्वेल्थ वाले में फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ हमको अचीव करना. जादू नंदत पंडित 77 जब इमरजेंसी खत्म हुई उसके बाद चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट चली गई थी तो फाइव ईयर उसमें पूरे नहीं हुए थे. 78 तक था, 1974 से 78 तक था. सारे फाइव ईयर प्लान ने फाइव ईयर पूरे नहीं किए. सभी फाइव ईयर प्लान ने फाइव ईयर पूरे नहीं किए हैं. अरे ग्रीन रिवॉल्यूशन 1965 में आने का मतलब क्या है? हम पहले फाइव ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को फोकस नहीं कर सकते थे क्या? पहले फाइव ईयर प्लान में एग्रीकल्चर फोकस नहीं कर सकते थे? ग्रीन रिवॉल्यूशन से उसको कनेक्ट क्यों कर रहे हो? दोनों अलग चीजें हैं, उनको मर्ज क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान ये स्टेट पीसीएस में एसएससी में सब में क्वेश्चन आते हैं. ये पूछते हैं कि भाई थीम क्या थी, किस फाइव ईयर प्लान की क्या थीम थी. ये फाइव ईयर प्लान का जो कंसेप्ट है ये कहां से लिया गया? यूएसएसआर से लिया गया. फाइव ईयर प्लान कंसेप्ट बोरोड फ्रॉम, ये कहां से लिया गया था? फाइव ईयर प्लान कंसेप्ट वॉज बोरोड फ्रॉम USSR, Union Soviet Socialist Republics. बाद में ये टूट कर 91 में ये टूट के 15 कंट्री में बट गए, रशिया और 14 कंट्रीज और. USSR पहले USSR ये था, बाद में ये 15 कंट्रीज में 1991 में 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन 91 में ब्रेक होके ये 15 कंट्रीज में बट गया, रशिया प्लस 14 कंट्रीज. तो रशिया प्लस 14 कंट्रीज मिलके यूएसएसआर हुआ करता था. फाइव ईयर प्लान कंसेप्ट हमने यहीं से लिया था, सोवियत संघ, सोवियत रशिया जो था वहीं से. ठीक है, फाइव ईयर प्लान कंसेप्ट बोरो फ्रॉम यूएसएसआर. लिखें अगला पॉइंट, तब देखो. तो ये सब फाइव ईयर प्लान बने. प्लानिंग कमीशन किस मॉडल पे था, किस तरह से वर्क करती थी संस्था, जरा ये देखें. इसमें कुछ कमियां थी, कमियां थी इसलिए चेंज किया गया. तो मार्च 1950 में बना, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैचूटरी बॉडी था, चेयरमैन पीएम होते थे. फंक्शन फाइव ईयर प्लान बनाना और एक ग्रोथ टारगेट सेट करना कि हमें यह ग्रोथ अचीव करनी है. ये बेस्ड ऑन टॉप टू बॉटम लाइन. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी पढ़ा होगा ईएस वाले बच्चों ने, टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है, बॉटम टू टॉप अप्रोच होती है. टॉप टू बॉटम आप ऐसे समझ लो कि प्लानिंग कमीशन में जो मेंबर हैं, टॉप लेवल पे डिसीजन हो गया और उसको बॉटम लेवल पर अप्लाई कर दिया. बॉटम वालों को ज्यादा कोई पावर नहीं है टॉप लेवल पे. जैसे मान लो हम 5-7 लोग बैठ जाएं और हम एक डिसीजन ले लें कि हमें चंडीगढ़ के लिए क्या करना है, हमें गुजरात के लिए क्या करना है. तो हम 5-7 लोग बैठ गए और हमने डिसाइड कर लिया कि किसके लिए क्या करना है और उनको ज्यादा कोई अथॉरिटी नहीं दी. जहां पर हमें कुछ इंप्लीमेंट करना है उनसे हम ज्यादा कोई कंसल्टेशन वगैरह, ज्यादा कोई पावर उनको नहीं मिली. मीटिंग में वो आए भी तो भी उनको ज्यादा पावर नहीं थी. तो लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट, यहाँ पे स्टेट्स को ज्यादा भागीदारी नहीं मिल पाती थी. आते थे मीटिंग वीटिंग में पर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स को ज्यादा कोई अधिकार इसमें नहीं थे. यही प्रॉब्लम था, लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स. स्टेट्स को ज्यादा कोई पावर यहां पर नहीं हुआ करती थी.
फंड एलोकेशन करना हो, स्टेट्स यूटीज वगैरह को फंडिंग अगर करनी हो, थोड़ी बहुत फंड एलोकेशन की पावर इनको थी, ऑथोराइज्ड फॉर फंड एलोकेशन टू स्टेट्स, ऑथोराइज्ड फॉर फंड एलोकेशन टू स्टेट्स, स्टेट्स लिख रहा हूं, यूटी भी चाहे लिखना हो लिख लो, तो कुछ फंडिंग वगैरह करने के अधिकार इनके पास हुआ करते थे, फंड एलोकेशन वगैरह करने के राइट इनके पास थे। समस्या ये हुई, मोदी जी गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे और वो कहते थे कि मैंने प्लानिंग कमीशन को बहुत बार लेटर लिखे हैं कि गुजरात की प्रॉब्लम ये है, इन चीजों को कंसीडर किया जाए। और सेंटर में यूपीए गवर्नमेंट थी, यूपीए का मतलब है कांग्रेस और उनके सपोर्टर मिलकर। सेंटर में जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे तो सेंटर में मनमोहन सिंह उनकी गवर्नमेंट थी, तो यूपीए की गवर्नमेंट चल रही थी और वो कह रहे थे मैं बार बार लेटर लिखता हूं कि गुजरात के लिए इन चीजों को कंसीडर करो कि गुजरात में डेवलपमेंट रिलेटेड हमें ये रिक्वायरमेंट है, पर वो बात सुनी नहीं जा रही है। तो कहते थे कई बार प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में जाते भी नहीं थे, कहते मैं मीटिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं करता हूं क्योंकि मुझे जो रिक्वायरमेंट है मैं बहुत समय से डिमांड कर रहा हूं वो सुना नहीं जा रहा, ये काफी टाइम से पेंडिंग है। और जो दिक्कत क्या आती थी कि जो सेंटर में गवर्नमेंट है, अगर उन्हीं की स्टेट में भी गवर्नमेंट है उनको कहीं ना कहीं ज्यादा कंसिडरेशन मिलता था, और जो दूसरी पार्टी चला रही है जहां पर सरकार, उनको दिक्कत थी। ये तो हमेशा होता रहेगा, सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट होगी स्टेट में भी उसकी गवर्नमेंट होगी तो फेवर, ड्यू फेवर मिलेगा ही, और जहां पे दूसरी गवर्नमेंट चल रही थी उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ये एलिगेशन थे कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो ये कह रहे थे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट है स्टेट में अलग गवर्नमेंट है तो अलग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और जहां पे खुद की गवर्नमेंट है वहां ट्रीटमेंट अलग मिल रहा है। तो इसीलिए जब वो पावर में आए, मोदी जी पावर में कब आए, 2014 में, और 1 जनवरी 2015 से ही प्लानिंग कमीशन बदल के नीति आयोग हो गया। मैं बात कर रहा हूं जब वो सीएम थे तो वो ये एलिगेशन लगते थे इस पर कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमें जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर, तो इसीलिए इसको बदल के फिर कर दिया गया नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से ये नीति आयोग हो गया। ऑफिस लोकेशन वही है, चेयरमैन अभी भी पीएम होता है, वाइस चेयरमैन तब भी होता था, अभी भी है, पर इसका जो मॉडल थोड़ा सा चेंज कर दिया, जैसे टॉप टू बॉटम लाइन पर था अब इसको उल्टा करके बॉटम टू टॉप कर दिया कि स्टेट वगैरह को ज्यादा पार्टिसिपेशन मिले, वो अपनी बात को कह पाए, उनकी बात को सुना जाए, वो पार्टिसिपेट करें ज्यादा से ज्यादा, ये सब कुछ बदलाव किए गए इसके अंदर, ठीक है। तो पहले की तुलना में इसमें रिस्ट्रक्चरिंग कर दी गई, कहने का मतलब ये, तो टॉप टू बॉटम लाइन पर आधारित था, टॉप लेवल पर डिसीजन हो गया, बॉटम लेवल पर अप्लाई कर देते थे, स्टेट्स वगैरह की ज्यादा भागीदारी नहीं होती थी, फंड एलोकेशन वगैरह के अधिकार इनको थे। मैं स्टेट लिख रहा हूँ, यूटी भी चाहो तो ऐड कर लेना, अलग अलग मत उसमें दिमाग लगाना, पूरे कंट्री की बात हो रही है ना, पूरे प्लानिंग कमीशन पूरे कंट्री के लिए काम करता था। ऑफिस लोकेशन कहाँ थी, नई दिल्ली, ऑफिस लोकेशन कहां पर थी, नई दिल्ली, और यही जो बोर्ड लगा था इनका, योजना आयोग का बोर्ड लगा था, उसी को चेंज करके नीति आयोग का बोर्ड लग गया। ऑफिस लोकेशन भी वही है, चेयरमैन भी वही है, उसी संस्था को बदल के नीति आयोग कर दिया, थोड़ा बहुत रिस्ट्रक्चरिंग भी कर दी गई, ऑफिस लोकेशन भी वही नई दिल्ली। काम समझ आ गया, प्लानिंग कमीशन क्या वर्क करता था, पर्पस समझ आया, और चेंज क्यों किया गया ये समझ आया क्या? In 2015, it was replaced by Niti Aayog. 2015 में it was replaced by Niti Aayog. अब Niti Aayog शुरू करने से पहले एक एजेंसी में और बता देता हूं। तो प्लानिंग कमीशन जब बना उसके 2 ईयर के बाद एक बॉडी बनी एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल,
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी। एनडीसी ये एस्टेब्लिश हुई थी अगस्त 1952। ये भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, इसी तरह का बॉडी था ये भी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यहां भी होते थे पीएम, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ये होते थे पीएम, और मेंबर्स में चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज, ये सब मेंबर हुआ करते थे। अदर मेंबर्स और भी होते थे इसमें, अदर मेंबर्स में कुछ मिनिस्टर्स होते थे, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स वो भी इसके मेंबर होते थे, और यूनियन टेरिटरी में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल जो होते हैं, उपराज्यपाल जो होते हैं वो भी मेंबर होते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूटीज, कहीं कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, किसी किसी यूटी में इस पोस्ट को एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, ये लोग भी मेंबर हुआ करते थे। तो किसी किसी यूटी में भी सीएम होता है, कुछ कुछ यूटीज ऐसी हैं जहां सीएम होते हैं, तो चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज, और कुछ यूटी में चीफ मिनिस्टर भी होते हैं, वो भी मेंबर होते थे। तो तीन ही यूटी हैं जहां विधानसभा वगैरह, पॉलिटी का क्वेश्चन आ जाएगा, जरूरत नहीं है, पॉलिटी में सब पढ़ा हुआ है आपने, मैं फिलहाल आपको ये समझा रहा हूं। अदर मेंबर जो होते थे उसमें केंद्र के मंत्री भी होते थे, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री होते थे, कुछ यूटी जैसे कि दिल्ली यूटी है और दिल्ली में सीएम है, तो कुछ यूटी में मुख्यमंत्री जहां होते हैं वो भी मेंबर होते थे, बाकी यूनियन टेरिटरी को एलजी चलाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल, कहीं कहीं इस पोस्ट को एडमिनिस्ट्रेटर भी कह देते हैं, वो भी मेंबर हुआ करते थे। तो इतने सब सदस्य हुआ करते थे। एनडीसी का काम था 5 ईयर प्लान को रिव्यू करना, असेसमेंट करना, मॉनिटर करना, अगर कोई सजेशन देना है प्लानिंग कमीशन को तो सजेशन भी देना। इसका जो काम था एनडीसी का, टू रिव्यू एसेस एंड मॉनिटर 5 ईयर प्लान, टू रिव्यू एसेस मॉनिटर सम सजेशंस रिगार्डिंग 5 ईयर प्लान्स। तो 5 ईयर प्लान को रिव्यू करना, असेसमेंट करना, मॉनिटर करना, 5 ईयर प्लान में कुछ चेंजेस करने हैं, सजेशन देना। सजेशन किसको देते? प्लानिंग कमीशन को देते। सजेशन किसको देते? प्लानिंग कमीशन को देते। तो फंक्शन था रिव्यू, असेसमेंट या मॉनिटरिंग करना या सजेशन देना प्लानिंग कमीशन को 5 ईयर प्लान के रिगार्डिंग। ये एडवाइजरी बॉडी थी, ये एडवाइजरी बॉडी भी थी और हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी भी थी। ये प्लानिंग कमीशन एनडीसी में अगर आपसे कोई पूछे हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी या आपसे कहे डिसीजन मेकिंग बॉडी, तो डिसीजन मेकिंग में एनडीसी बड़ी बॉडी थी, डिसीजन मेकिंग बॉडी थी। तो हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग एंड डिस्कशन, हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग एंड डिस्कशंस रिगार्डिंग डेवलपमेंट मैटर्स इन इंडिया। तो एनडीसी का फंक्शन था 5 ईयर प्लान से रिलेटेड रिव्यू करना, असेसमेंट करना, मॉनिटरिंग करना, कोई सजेशन प्लानिंग कमीशन को देना है 5 ईयर प्लान के बारे में, तो सजेशन देने का काम इनका था। तो ये हाईएस्ट अथॉरिटी थी डिसीजन मेकिंग के लिए और डिस्कशंस के लिए कंसर्निंग डेवलपमेंट मैटर्स इन इंडिया, कंसर्निंग डेवलपमेंट मैटर्स इन इंडिया, रिगार्डिंग डेवलपमेंट मैटर्स इन इंडिया, कंसर्निंग डेवलपमेंट मैटर्स इन इंडिया। तो 5 ईयर प्लान बनाना वो सब प्लानिंग कमीशन का काम था, इंप्लीमेंट वगैरह। एनडीसी जो बनी थी वो एडवाइस देना,
एडवाइस भी देते थे, ये सजेशन वगैरह देना, एडवाइस देना, 5 ईयर प्लान को रिव्यू करना, मॉनिटर करना, असेसमेंट करना। तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी और डिस्कशन डेवलपमेंट मैटर्स के बारे में ये करते थे एनडीसी। तो हाईएस्ट बॉडी कौन थी? एनडीसी थी, प्लानिंग कमीशन एनडीसी में हाईएस्ट अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग वाली एनडीसी। इन दोनों में हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन थी? आप कहेंगे एनडीसी था, एनडीसी था। ये क्लियर है? पॉइंट क्लियर है ये? तो अगस्त 1952 में बना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, एक्ट से नहीं बना। चेयरमैन पीएम होते थे, इतने सारे मेंबर इसमें होते थे। तो 5 ईयर प्लान के बारे में अपने सलाह वगैरह देने का काम इनका, मॉनिटरिंग करने का काम इनका, डिसीजन मेकिंग और डेवलपमेंट मैटर पर डिस्कशन वगैरह भी ये संस्था करती थी, उसमें ये हाईएस्ट अथॉरिटी थी एनडीसी। अब एक पॉइंट आता है, क्या ये संस्था प्लानिंग कमीशन के साथ साथ ये भी खत्म हो गई क्या? देखो एक बात ध्यान से सुनो, ऑफिशियली एनडीसी को कभी डिसॉल्व नहीं किया गया, ऑफिशियली कभी इसको डिसॉल्व नहीं किया गया, बल्कि एक काउंसिल बना दी गई, उसका नाम है गवर्निंग काउंसिल। अब ऑफिशियली एनडीसी को कभी डिसॉल्व नहीं किया गया, कभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया कि एनडीसी अब डिसॉल्व हो गई है। प्लानिंग कमीशन तो डिसॉल्व हो गई, उसकी जगह नीति आयोग बन गया, पर एनडीसी को ऑफिशियली डिसॉल्व कभी नहीं किया गया। आप देखोगे इसके बारे में नहीं मिलेगा कि एनडीसी डिसॉल्व हुई, पर एक काउंसिल बना दी गई, ग्रुप बना दिया गया, यही सब मेंबर एक ग्रुप बन गया, गवर्निंग काउंसिल। एनडीसी जो काम करता था 2014 के बाद से, एनडीसी वो कोई वर्क नहीं कर रहा है, इनएक्टिव पड़ा हुआ आप कह सकते हो। जब तक डिसॉल्व नहीं किया गया, हम कैसे कह देंगे डिसॉल्व हो गया, खत्म हो गया? ऑफिशियली डिसॉल्व नहीं किया गया, इनएक्टिव पड़ा हुआ है, जैसे कोई चीज स्टोर में रख दी गई हो, काम कुछ नहीं है। और ये जो काम करता था वही काम गवर्निंग काउंसिल कर रही है। तो अगर इसको ऑफिशियली डिसॉल्व कर दे तो हम कह देंगे भाई गवर्निंग काउंसिल ने रिप्लेस कर दिया, पर काम 2014 से इसके सारे काम गवर्निंग काउंसिल ही देख रही है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं कि नाउ रिप्लेस्ड बाय गवर्निंग काउंसिल, पर ये संस्था डिसॉल्व नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है, काम कुछ नहीं है इसके पास। ऑफिशियली एक वो आ जाएगा, भाई डिसॉल्व हो गया, तो कह देंगे अभी खत्म भी हो गई संस्था ये। तो प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हुई, नीति आयोग बन गया, पर एनडीसी को ऑफिशियली डिसॉल्व नहीं किया गया और इसके सारे काम गवर्निंग काउंसिल कर रही है। मेंबर वेंबर सब यही होते हैं गवर्निंग काउंसिल में भी, ठीक है? तो नीति आयोग के ही अंदर आप देखेंगे गवर्निंग काउंसिल जो है ये भी सलाह वाला देने का काम करेंगे। तो नॉट ऑफिशियली डिसॉल्व, नॉट ऑफिशियली डिसॉल्व, बट सिंस 2014 गवर्निंग काउंसिल डील्स विथ ऑल इट्स फंक्शंस। अब गवर्निंग काउंसिल में फिर से नहीं लिख रहा हूं मैं चेयरमैन कौन होगा, यही चेयरमैन भी वही होंगे, मेंबर भी वही सब होंगे, चेयरमैन भी वही, मेंबर भी वही। अब उसमें दोबारा से नहीं लिख रहा हूं मैं, चेयरमैन कौन होगा? पीएम होगा। मेंबर कौन होंगे? मिनिस्टर्स भी होंगे, सीएम भी होंगे, एलजी भी होंगे, ये सब इसके मेंबर होंगे। तो लिखना हो तो लिखो, नहीं तो एनडीसी की ही जगह गवर्निंग काउंसिल काम कर रही है। अब एनडीसी को ऑफिशियली डिसॉल्व तो नहीं किया, पर मतलब वही है कि एनडीसी की जगह अब ये सारा वर्क कर रहा है। तो जब इनएक्टिव पड़ा हुआ है, कभी भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि डिसॉल्व कर दिया गया एनडीसी, उसको खत्म करके बेसिकली एनडीसी काम कर रहा है, पर खत्म ऑफिशियली नहीं किया, उसको इनएक्टिव कर दिया है। पॉइंट समझ आ गया? ऑफिस लोकेशन इसकी भी कहां? नई दिल्ली। भाई ये लोग भी बैठते बैठते कहां होंगे? लोकेशन वही दिल्ली। लोकेशन ये भी नई दिल्ली। तो आपसे कोई गवर्निंग काउंसिल मेंबर वेंबर बोले, सीधे एनडीसी वाला ही ध्यान रखना, नहीं तो वही सेम लाइन रिपीट करनी है। फिर पीएम हेड होता है, मिनिस्टर ये सब होते हैं, सीएम भी मेंबर होते हैं, तो गवर्निंग काउंसिल, ठीक। तो क्या समझ आ गया? प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग, और एनडीसी के काम सारे गवर्निंग काउंसिल कर रहा है, पर एनडीसी को ऑफिशियली डिसॉल्व नहीं किया, भंग नहीं किया गया, अभी इनएक्टिव पड़ा हुआ है। अब जो जो 5 ईयर प्लान थे एक बार जरा देख लो, राजस्थान वगैरह के एग्जाम में कोई सा भी 5 ईयर प्लान पूछ देता है,
20 से पूछ देगा, छठा फाइव ईयर प्लान बताओ, सातवा बताओ। तो ये पीडीएफ मैं आपके फोल्डर में भी डाल दूंगा, उसमें देख लेना। फाइव ईयर प्लान जो मैंने समझा भी दिए सारे लिखे हैं इसमें, 12 के 12 फाइव ईयर प्लान लिखे हैं। फाइव ईयर प्लान किसी को देखना, स्टेट एग्जाम में खासकर 20 से क्वेश्चन पूछ देगा, फोर्थ फाइव ईयर प्लान में क्या हुआ, फिफ्थ में क्या हुआ, थीम क्या थी, ऐसे पूछ लेगा। तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान बता दिया मैंने, हैरट दो बार मॉडल पे था, एग्रीकल्चर वगैरह को बढ़ावा देना था तो हमें इरिगेशन चाहिए था, डैम चाहिए थे, भाखड़ा नांगल डैम देखो, एग्रेरियन सेक्टर के लिए फोकस था, उसके लिए काफी खर्चा वर्चा किया गया। एग्रेरियन सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर स्पेसिफिक, तो डैम्स वगैरह में बड़े इन्वेस्टमेंट किए गए, इरिगेशन में खर्चा किया गया, भाखड़ा नांगल डैम बना। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे आगे बढ़े, भारत में कैसे डेवलप किया जाए, पंडित नेहरू उस समय पीएम थे, तो एग्रेरियन सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट किया गया, डैम और इरिगेशन में इन्वेस्टमेंट किया गया, भाखड़ा नांगल डैम बना था, किस मॉडल पर आधारित था, हैरट दो मार मॉडल देखो लिखा है, हैरट दो मार मॉडल। 1956 के एंड तक आते आते 5 आईआईटीज भी बना दिए गए थे, टारगेट ग्रोथ रेट 2.1% उन्होंने सोचा था और अचीव कर पाए थे 3.6, जो सोचा था उससे अच्छी ग्रोथ दी, द टारगेट ग्रोथ रेट 2.1% सोचा था, अचीव जो किया था 3.6%। तो नेहरू को जो क्रिटिसाइज करते हैं उनको ये सब भी तो देखना चाहिए, 2.1% एक्सपेक्टेड था पर आया 3.6। सेकेंड फाइव ईयर प्लान जो था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर को इस्टेब्लिश करना, पब्लिक सेक्टर को लाना, सेकेंड फाइव ईयर प्लान 56 से 61 तक था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर को प्रमोट किया गया पीसी महलनोबिस की लीडरशिप में, नेहरू महलनोबिस प्लान इसको कहा जाता है, और स्टील प्लांट वगैरह लगाया मैंने बताया, टारगेट ग्रोथ रेट 4.5% सोची थी, एक्चुअल ग्रोथ थोड़ी सी कम थी 4.27, सेकेंड फाइव ईयर प्लान में थोड़ा सा कम था 4.27। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इस पर, स्टेट पीसीएस वगैरह में, एसएससी में भी, तो पीडीएफ ये मैं शेयर कर दूंगा, एक बार इसको रीड करना है, ये सब तो पढ़ा ही दिया, तो सेकेंड फाइव ईयर प्लान एक बार देख सारे लो। ये सेकेंड वाले, फिर सेकेंड ये थर्ड वाला 1961 से 66 पंचायत इलेक्शन वर इंट्रोड्यूस्ड टू ब्रिंग डेमोक्रेसी ग्रासरूट लेवल, 5.6% सोचा था, 2.4% अचीव कर पाए, प्लान हॉलीडेज वगैरह इसी में, 66-7, 67-8, 8-9, चाइना इंडिया वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर वगैरह भी हुई थी, तो थर्ड फाइव ईयर प्लान जो था वो फेल हो गया हमारा, थर्ड फाइव ईयर प्लान फेल हो गया, प्लान हॉलीडेज डिक्लेयर किए थे इसमें, दिस इंडिकेटेड क्या था, टारगेट ग्रोथ 5.6 और ये दिस इंडिकेट मिजरेबल फेल और थर्ड प्लान एंड द गवर्नमेंट हैड टू डिक्लेयर प्लान हॉलीडेज। 66, 67, 7, 8, 8, 9, चाइना इंडिया वॉर, इंडो पाक वॉर, ये सब इसमें हुआ, तो प्लान हॉलीडेज वाला थर्ड फाइव ईयर प्लान में था। फोर्थ वाला कीवर्ड बस ध्यान रखो, फोर्थ वाला इंदिरा गांधी पीएम थी, जो प्रीवियस प्लान में फेल्योर हुए उनको करेक्शन कैसे किया जाए, पिछले वाले फाइव ईयर प्लान में जो फेल्योर हुआ कैसे उसमें करेक्शन किया जाए, तो गडगिल फार्मूला पे बेस्ड था ये। फोर्थ फाइव ईयर प्लान इंदिरा गांधी पीएम थी, प्रीवियस फेलियर को करेक्शन कैसे किया जाए, अकाल वगैरह से कैसे निपटें, तो ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम, अकाल का समय था वो, तो ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम बनाया गया, बैंकों का नेशनलाइजेशन देखो इसी साल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, मैंने बताया था स्टार्टिंग में 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे, फिर 1980 में 6 और हुए थे, तो बैंकों का नेशनलाइजेशन फोर्थ फाइव ईयर प्लान है। ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर को बूस्ट किया, 65 से ग्रीन रिवॉल्यूशन पर काम शुरू हुआ था, इसमें और एम्फेसिस दिया गया, ठीक है। ग्रोथ टारगेट 5.6% था पर अचीव 3.3 ही कर पाए। फिफ्थ फाइव ईयर प्लान गरीबी हटाओ, पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी एलिवेशन देखो ईयर लिखा हुआ है 74 से 78, सारे फाइव ईयर प्लान फाइव ईयर पूरे नहीं किए थे मैंने बताया, जो इमरजेंसी लगी थी ना 75 में, 77 में खत्म हुई थी, फिर जनता पार्टी आ गई थी, तो पॉवर्टी एलिवेशन इसका फोकस था। ठीक है, इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम अगर लाया जाए, मिनिमम नीड प्रोग्राम लाया जाए, ये पीडीएफ मैं फोल्डर में दे दूंगा, एक बार रीड कर लेना इनको, एक बार रीड कर लेना कौन कौन सा कब आया है, मेन मेन मैंने बताई दिए आपको, पर स्टेट पीसीएस वगैरह में, राजस्थान वगैरह में 20 से कोई भी फाइव ईयर प्लान पूछ देगा, 9th पूछ दिया था एक बार, 9th आया हुआ है, 8th भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैं आपको फोल्डर में डाल दूंगा, इसको एक बार रीड कर लेना, रीड ही करना इसमें और क्या करना, इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं, फाइव ईयर प्लान का मीनिंग वीनिंग क्या बताई दिया मैंने,
ये सेवंथ हो गया, नाइन्थ वाला पूछा था राजस्थान में, ये रहा नाइन्थ वाला, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, इसमें भी फोकस था, नाइन्थ वाले में फोकस था, और ट्वेल्थ वाला लास्ट था ये। एक बार मैचिंग में क्वेश्चन आया था, चार फाइव ईयर प्लान और चारों की थीम मैच करो, तो इलेवेंथ वाले में भी देखो ये वर्ड आ रहा है, रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ट्वेल्थ वाले में सस्टेनेबल ग्रोथ वर्ड आ रहा है, ट्वेल्थ वाले में आ रहा है सस्टेनेबल ग्रोथ वर्ड, और यहां पर आ रहा है इंक्लूसिव ग्रोथ वर्ड, ये रहा इंक्लूसिव ग्रोथ। इलेवेंथ वाले में रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, और ट्वेल्थ वाले में फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ये दो कीवर्ड ध्यान रखने हैं। इलेवेंथ वाले प्लान में था रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, और ट्वेल्थ वाले में है फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। रोलिंग प्लान दे रखा है, इसे पीडीएफ में डाल दिया है, पूरा इसी में डाल दिया है। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इनस्टेबिलिटी, वही जनता पार्टी सरकार जब बन गई थी 78 में, जब जनता पार्टी गवर्नमेंट बन गई थी, और 80 तक इसमें बड़ी इनस्टेबिलिटी हो गई थी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो जनता पार्टी गवर्नमेंट रिजेक्टेड फिफ्थ फाइव ईयर प्लान और उन्होंने सिक्स फाइव ईयर प्लान ला दिया था। तो दिस इन टर्न वॉज रिजेक्टेड बाई द कांग्रेस, इंदिरा गांधी वापस जीत गई थी, पिछले वाले को कैंसिल कर दिया था। मतलब इंदिरा गांधी जो लाई उसको रूलिंग प्लान में जनता पार्टी ने कैंसिल कर दिया, और जनता पार्टी सरकार ज्यादा चल नहीं पाई थी, इसके कुछ टाइम बाद ही वापस इंदिरा गांधी पावर में आ गई, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये अनस्टेबिलिटी का एक समय था 78 से 80, जनता पार्टी सरकार जब बनी थी, तो जनता पार्टी गवर्नमेंट ने फिफ्थ फाइव ईयर प्लान को रिजेक्ट कर दिया और वो सिक्स फाइव ईयर प्लान नया बना के ले आए। कांग्रेस ने जब वापस पावर में आई, इंदिरा गांधी दोबारा चुनाव जीत गई, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इनके द्वारा बनाए हुए। तो रोलिंग प्लान इज वन इन विच द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लान इज इवेल्युएटेड एनुअली एंड अ न्यू प्लान इज क्रिएटेड द फॉलोइंग ईयर बेस्ड ऑन दिस इवेल्युएशन। एज अ रिजल्ट थ्रू आउट दिस प्लान बोथ द एलोकेशन एंड टारगेट अपडेटेड। मतलब एनुअली रिव्यू किया जाएगा। जनता पार्टी गवर्नमेंट के समय में जो रोलिंग प्लान बनाया था उन्होंने, वो था एनुअली रिव्यू किया जाए। तो रोलिंग प्लान इज वन इन विच द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लान इज इवेल्युएटेड एनुअली एंड अ न्यू प्लान इज क्रिएटेड द फॉलोइंग ईयर। मतलब एनुअल इवेल्युएशन करके जो जो चेंजेस करने हैं वो कर सकें, एनुअल इवेल्युएशन कर करके जो चेंजेस करने की जरूरत है वो हम चेंजेस करते चले। तो इसके हिसाब से एलोकेशन क्या करना है रिसोर्सेस का, और टारगेट क्या रखना है, वो भी चेंज होता जाएगा। जब एनुअल बेसिस पे इवेल्युएशन करोगे तो एलोकेशन कितने देने हैं, रिसोर्सेज कितने लगेंगे, और टारगेट क्या क्या रहेगा, वो भी अपडेट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो जो फाइव ईयर प्लान के लिए पहले डिसाइड होता था, इन्होंने उसको एनुअल बेसिस पे रोलिंग प्लान में कहा कि एनुअली रिव्यू करेंगे, एनुअली इवेल्युएट करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग एलोकेशन कितना देना है वो भी चेंज हो जाएगा, टारगेट भी अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, चलो इतना बहुत है, ये फाइव ईयर प्लान की कहानी कंप्लीट। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, ये वाली पीडीएफ मैं डाल दूंगा फोल्डर में, फाइव ईयर प्लान एक बार देख लें, सेवंथ एट्थ ये सब क्वेश्चन आ जाता है। सस्टेनेबल का मतलब होता है सैदुल आलम टिकाऊ, बहुत रॉ भाषा में अगर मैं कहूँ सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ चीज। अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन में जाऊँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसा डेवलपमेंट जो इकोनॉमी एनवायरनमेंट और सोशल डेवलपमेंट तीनों को लेकर चले। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रॉपर डेफिनेशन में जाएं तो इसका मतलब होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, तीनों का मिला जुला विकास। ऐसा ना हो कि आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के चक्कर में पूरा इन्वायरमेंट खराब कर दो, ऐसा ना हो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा करने के चक्कर में सारे थर्मल पावर प्लांट बंद कर दो, ऐसा ना हो जाए सोसाइटी को बहुत बेनिफिट करने के लिए कोई और चेंज कर बैठो। मतलब तीनों जरूरी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जरूरी है, उसके बिना ग्रोथ नहीं आएगी, पर एनवायरनमेंट की कॉस्ट पर नहीं, एनवायरनमेंट को भी ध्यान देते हुए और सोसाइटी को भी ध्यान देते हुए। तो इन तीनों का मिक्स, इन तीनों का जो डेवलपमेंट है, तीनों का क्रॉस सेक्शन, इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पॉइंट समझ आया? या मैं आपको इसको ऐसे बोलूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट विच मीट्स अवर प्रेजेंट नीड्स,
विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि उनको क्या रिक्वायर्ड होगा, एक ऐसा डेवलपमेंट जो हमारी आज की जरूरतों को पूरा करे विदाउट कंप्रोमाइजिंग, कि जो फ्यूचर जनरेशन आएंगी उनको उनका सर्वाइवल खतरे में ना पड़ जाए, रिसोर्सेज उनके पास भी बचे रहें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जो हमारी आज की नीड को पूरा करे विदाउट कंप्रोमाइजिंग, इस चीज से कंप्रोमाइज ना करे कि जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी कुछ बचा रहे, नहीं तो उनका फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। तो उसको ऐसे भी कह लो एक ऐसा डेवलपमेंट जो तीनों बातों का ध्यान रखे, सारे रिसोर्सेज अगर हम ही यूज कर लेंगे तो जो आने वाली जनरेशन है उनका भविष्य खतरे में होगा। इन्वायरमेंट में पढ़ाता हूँ उसके ऊपर काफी डिटेल में, इन्वायरमेंट में डिटेल में बात होती है इस पर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वोल टॉपिक आता है वहां पर, 17 गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो वहां पर डिटेल में आता है। पर यहाँ बस ये समझ लो तीनों का मिला जुला डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इकोनॉमी इन्वायरमेंट सोसाइटी तीनों का मिला जुला डेवलपमेंट दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर है ये वर्ड कब आया था, क्या क्या इंटरप्रिटेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, ये पूरा डिटेल टॉपिक है, इन्वायरमेंट में डिस्कस करते हैं हम। अब ऐसा ना हो कि कोई इन्वायरमेंट पढ़े ही ना और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए वो कहते सर आपने ये नहीं बताया था, ये बहुत डिटेल टॉपिक है, इन्वायरमेंट में थर्ड चैप्टर के लास्ट में कराया है, इन्वायरमेंट में थर्ड चैप्टर के लास्ट में मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग वाला चैप्टर है बिल्कुल लास्ट में उसमें। चलो ये कंप्लीट, अब आ जाते हैं नीति आयोग, सारा बैकग्राउंड कंप्लीट, अब आते हैं नीति आयोग। नीति आयोग ये है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये इसका फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब से ऑपरेशनल हुआ है, इट केम इनटू इफेक्ट, इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1st जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 से ऑपरेशनल हो गया ये। ऑफिस लोकेशन वही है दिल्ली, लोकेशन नई दिल्ली, नई दिल्ली। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन पीएम, चेयरमैन पीएम, वाइस चेयरमैन प्रेजेंटली, प्रेजेंट वाइस चेयरमैन सुमन बेरी और प्रेजेंट CEO, एक बार चेक कर लो चेंज तो नहीं होगा दो चार दिन में कहीं, BVR सुब्रमण्यम थे, एक बार जरा चेक कर लो ये नाम कहीं दो चार दिन में ही चेंज हो गए हो, BVR सुब्रमण्यम इसके CEO थे, कुछ समय पहले ही बने हैं वैसे, अमिताभ कांत थे फिर वो चेंज हो गए, BVR सुब्रमण्यम। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 से प्रभाव में आया, लोकेशन नई दिल्ली, चेयरमैन पीएम, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं, सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम, और नीति आयोग ने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को, रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। रिप्लेस प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग एक्ट करता है गवर्नमेंट के थिंक टैंक की तरह। अगर वन वर्ड में आपको किसी को डिफाइन करना हो नीति आयोग का क्या काम है गवर्नमेंट के लिए, ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक है। की वर्ड अगर मैं आपको बताऊं कि नीति आयोग को आप कैसे समझ सकते हैं एक वर्ड में, ये गवर्नमेंट के थिंक टैंक, गवर्नमेंट का दिमाग है ये, इस तरह से काम करता है। इट एक्ट एज थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग। जैसे स्वच्छता के लिए इंडिया में क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर में क्या होना चाहिए, एजुकेशन में क्या होना चाहिए, कई सारी चीजें नीति आयोग ही रिपोर्ट बना बना देता है, ये डाटा वाटा कलेक्ट करके नीति आयोग ही रिपोर्ट बना बना के देता है कई चीजों की। तो
एजुकेशन में ये किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस फील्ड में लाया जाए, कई सारी रिपोर्ट नीति आयोग की आती हैं। तो गवर्नमेंट के लिए थिंक टैंक की तरह है, कीवर्ड ये है थिंक टैंक, सरकार का थिंक टैंक है ये। तो नीति आयोग जो बना, इसमें प्लानिंग कमीशन से क्या चेंजेस किए गए? सबसे बड़ा चेंज तो यही था, नीति आयोग इज बेस्ड ऑन इट इज बेस्ड ऑन बॉटम टू टॉप लाइन, बॉटम टू टॉप लाइन मतलब बॉटम लेवल वाले वो सब पार्टिसिपेट करेंगे। भाई जिसके लिए जो बनाना है, आप जिसके लिए जो नियम बना रहे हो, तो बॉटम लेवल वाले पार्टिसिपेशन करेंगे, जो चीज बनाई जाएगी उसमें इनका भी पार्टिसिपेशन होगा, इनका भी सजेशन लिया जाएगा, उसके बाद वो टॉप लेवल को भेजा जाएगा। तो जो प्लानिंग कमीशन से कंप्लेंट थी, प्लानिंग कमीशन से शिकायत थी कि टॉप लेवल पे प्लानिंग हो जाती है और बॉटम पे अप्लाई कर देते हैं, बॉटम वालों की सुनी नहीं जा रही, जो मोदी जी कह रहे थे। तो एक सबसे बड़ा चेंज यही किया गया कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसको बॉटम टू टॉप कर दिया, उल्टा कर दिया। सेम कैसे मोहित पराशर, सेम कैसे? अच्छा वो पर्सन सेम है बोल रहे हो, बीवीआर सुब्रमण्यम। तो एक चेंज तो स्ट्रक्चरल चेंज ये किया गया बॉटम से टॉप स्ट्रक्चर पे, बॉटम टू टॉप, कि लोअर लेवल पे प्लानिंग होगी, वो सजेशन देंगे, पूछा जाएगा और यहां से फिर टॉप लेवल को भेजा जाएगा। ठीक है, सीईओ तो लिखा है ना मैंने, बीवीआर सुब्रमण्यम। हाँ, तो टॉप बॉटम लेवल पे डिस्कशन होके फिर टॉप लेवल को भेजा जाएगा। गवर्निंग काउंसिल भी जो मैंने बताया, एनडीसी अब नहीं है, वो गवर्निंग काउंसिल है, गवर्निंग काउंसिल भी अपना सजेशन वगैरह देगी, है ना। तो बॉटम से टॉप लाइन पर अभी आधारित है इस समय। दूसरी बात, फंड एलोकेशन का पावर अब इनको नहीं है, स्टेट की भागीदारी ज्यादा है। जो बॉटम टू टॉप लाइन पर है, इसका मतलब स्टेट ज्यादा पावरफुल हो गए, मोर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स, मोर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स। इंडिया एक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, पार्शियली फेडरल स्ट्रक्चर है, इंडिया एक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, पार्शियली फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल से मतलब मैंने पॉलिटी में डिटेल में बताया हुआ है, यहां फिलहाल आप समझ सकते हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। तो अमेरिका और अमेरिका में जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं बड़ी पावरफुल होती हैं, हमारे यहाँ सेंटर ज्यादा पावरफुल है। हमारे यहाँ भी ड्यूअल गवर्नमेंट, सेंटर में एक गवर्नमेंट है, स्टेट के पास अपनी गवर्नमेंट है, पर अमेरिका वगैरह में स्टेट गवर्नमेंट बड़ी पावरफुल होती है, हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है। तो फेडरल स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करने का काम एक नीति आयोग ने किया, स्टेट को ज्यादा पार्टिसिपेशन मिल रहा है, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट किया जा रहा है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को भी रिस्पेक्ट हो रहा है। तो स्टेट की भागीदारी थोड़ी यहाँ ज्यादा, इनकी बात ज्यादा सुनी जाती थी, पर फंड एलोकेशन का अधिकार जो प्लानिंग कमीशन के पास हुआ करता था, फंड एलोकेशन ये नहीं करते, नॉट ऑथोराइज्ड फॉर फंड एलोकेशन, फंड एलोकेशन ये नहीं करेगा, नॉट ऑथोराइज्ड फॉर फंड एलोकेशन, फंड एलोकेशन ये नहीं करते। प्लानिंग कमीशन को अधिकार था फंड एलोकेशन वगैरह थोड़ा बहुत वो कर सकते थे, ये फंड एलोकेशन नहीं करता। और ये जो 5 ईयर के प्लान आया करते थे, अब ये 5 ईयर के प्लान रिप्लेस होकर अब ये लाते हैं 15-15 ईयर के विजन डॉक्यूमेंट। 5 ईयर प्लान कंसेप्ट, 5 ईयर प्लान कंसेप्ट नाउ रिप्लेस बाय 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट। अब ये 5-5 ईयर प्लान कंसेप्ट जो है वो हट चुका है, 12th 5 ईयर प्लान लास्ट था, अब 15 ईयर का विजन डॉक्यूमेंट नीति आयोग लाता है, तो 5 ईयर प्लान कंसेप्ट चेंज हो चुका। समझ आ गया भाई नीति आयोग? तो आए दिन करंट अफेयर में पढ़ते हो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, कभी एजुकेशन के बारे में, कभी हेल्थ के बारे में, एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाएं, फार्मर की इनकम कैसे बढ़े, AI का इस्तेमाल कैसे लाया जाए, टेक्नोलॉजी वगैरह का, इसमें खेती में, मेडिकल में, जहां जहां नुकसान ना हो हमें, ये सोच समझ के ये सब रिपोर्ट देना। AI का जैसे 5 सेक्टर में AI को अप्रूवल मिला हुआ है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, इंफ्रा डेवलपमेंट, ऐसी 5 चीजों में है। तो ये सब नीति आयोग अपना एनालिसिस वगैरह, थिंक टैंक इसीलिए कह रहा है ना, बैठ के अपना एनालिसिस करेगा। तो ये बताओ, नीति आयोग तो बॉटम टू टॉप लाइन पे बेस्ड है, अपनी रिपोर्ट बनाएंगे और ये बनाकर गवर्नमेंट को मिल जाएगा, तो गवर्नमेंट के थिंक टैंक की तरह ही तो काम हुआ,
भाई फंड एलोकेशन ये नहीं कर सकता, पर ये बॉटम टू टॉप लाइन पे काम करना, सारा विचार करना, रिपोर्ट बनाना, ये सब बना के गवर्नमेंट को दे रहा है, तो गवर्नमेंट का थिंक टैंक ही तो कहोगे, गवर्नमेंट के थिंक टैंक की तरह काम करता है। और इसमें गवर्निंग काउंसिल भी है, गवर्निंग काउंसिल में सीएम भी है, यूटी के एलजी भी हैं, यूनियन के मिनिस्टर भी हैं, पीएम भी है, तो ये सब बैठ के भी तो विचार कर रहे हैं। और क्यों बैठे हैं, नाश्ता करने थोड़ी बैठे हैं, वो सारे बैठ के भी सजेशन दे रहे हैं, विचार कर रहे हैं नीति आयोग में क्या काम हो रहा है। तो यहां से जो सारा सोच विचार करके निकलेगा, जो कंक्रीट चीज आएगी, तो गवर्नमेंट के थिंक टैंक की तरह काम तो कर रहा है पॉलिसी बनाने में। गवर्निंग काउंसिल में देखो तो मिनिस्टर भी हैं, पीएम भी है, सीएम भी है, एलजी भी है, तो ये सब नीति आयोग के अंडर तो आ रहा है, और वो सब बैठ के जो विचार कर रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रही है भाई एग्रीकल्चर में फार्मर की इनकम बढ़ाने के लिए क्या टेक्नोलॉजी लाई जाए, क्या किया जाए, एजुकेशन को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, तो ये अलग अलग एरियाज पे विचार करके डेवलपमेंट कैसे करना है, ये सब रिपोर्ट गवर्नमेंट को मिलती है, तो इसीलिए थिंक टैंक की तरह बोल रहे हैं इसको। गूगल पे चेक करना नीति आयोग में मेंबर्स कौन कौन होते हैं, गूगल पे चेक कर लेना नीति आयोग के मेंबर कौन कौन होते हैं, आपको देख के समझ आ जाएगा। इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स भी हैं, पीएम भी है, सीएम भी है, एलजी भी है, इतने सारे हैं, तो जब बैठ के कोई विचार होगा, कोई काम होगा, तो वो अल्टीमेटली पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेगा ना, तो देख के पता लग जाएगा। जब इतने लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो जो रिपोर्ट निकाल रही है नीति आयोग, अल्टीमेटली वो सरकार को एक तरह से थिंक टैंक, उसके ब्रेन की तरह काम कर रहा है कि क्या पॉलिसी बने, क्या नियम बनाओ, कैसे आगे बढ़ा जाए, डेवलपमेंट कैसे किया जाए, अलग अलग एरिया को कैसे ग्रो कराया जाए। कोई पॉइंट लिख रहा है इसमें कुछ, आगे बढ़ें। अब जैसे इंडिया में इनोवेशन को बढ़ावा देना है, इनोवेशन वगैरह के लिए नीति आयोग काम करता है, कैसे बढ़ाया जाए, सजेशन देना है स्टेट्स को, कैसे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, यही लिखा रहा हूं मैं। यहाँ कोई लिख रहा है, पहले बताओ। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट। अब नीति आयोग इसके कुछ रिपोर्ट आती हैं, जैसे मैं एक आपको पहले बताऊं, एक लिखो, ये अलग से पहले नोट कर लो, अभी एक दो चीज और बताऊंगा मैं इसमें। एक इंडेक्स आता है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अब इंडिया में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन चीजों पे काम कैसे हो, नीति आयोग का इस पर ही बहुत काम कर रहे हैं, इस पर भी नीति आयोग का काफी फोकस है, इनोवेशन टेक्नोलॉजी वगैरह को कैसे बढ़ावा दिया जाए, साइंस वाइंस। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एक रिपोर्ट आती है, शॉर्ट में हम इसको कह देते हैं जी आई आई, एनुअली रिलीज बाई इंडेक्स है, मतलब कोई रैंकिंग वैंकिंग आएगी इसमें, एनुअली रिलीज बाय एक संस्था है वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वाइपो रिलीज करता है। दो साल पहले तक इसको तीन एजेंसी मिलकर रिलीज करते थे, 2007 से शुरू हुआ था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो आता था, 2007 से स्टार्ट हुआ था, और 2022 तक इसको तीन एजेंसी रिलीज करते थे, एक वाइपो थी, दो और थी इसके साथ। 2022 तक वाइपो रिलीज करता था, वाइपो के साथ एक थी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ये भी थे, और एक थी इनसीड, ये तीन मिलकर रिलीज करते थे ये डाटा। अब दो साल से अकेले ये वाइपो रिलीज कर रहा है, ये दोनों अब नहीं है। तो पुराना डाटा अगर कहीं पढ़ोगे तो पुराने डाटा में कहीं मैगजीन अखबार कहीं पढ़ लिया गलती से, तो पुराने वाले में वाइपो, कॉर्नेल, इनसीड तीन हुआ करते थे, ये पुराना क्वेश्चन यूपीएससी में आया।
कहीं वो देख लो गलती से, तो ये तीनों रिलीज करते थे। अब इसमें कॉर्नर इंसिड नहीं, अब वाइपो रिलीज कर रहा है, अभी जो रिलीज कर रहा है वाइपो रिलीज करता है अभी पिछले 2 साल से। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, पूरी दुनिया में इनोवेशन में कोई कंट्री कितना ऊपर है, कई सारे पैरामीटर, साइंस टेक के पैरामीटर, टेक्नोलॉजी, कितने आप पेटेंट करा रहे हो, साइंस टेक्नोलॉजी कितना ग्रो कर रही है। भाई जितने पेटेंट हो रहे होंगे इसका मतलब रिसर्च रिसर्च उतना ज्यादा हो रहा है आपके यहाँ, पेटेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों का मिलता है। तो आपका कंट्री कितना इनोवेटिव है, इनोवेशन आपके यहाँ कितना हो रहा है, उसकी रैंकिंग यहाँ जारी होती है हर साल। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एनुअली रिलीज करता है वाइपो, 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक कितनी रही। पिछले कुछ साल में इंडिया काफी इंप्रूव कर गया है, इसमें 39 पे है इस बार, 133 कंट्रीज में से आउट ऑफ 133। और 2023 में हम किस रैंक पर थे, 2023 में इंडिया की रैंक थी 40 आउट ऑफ 132। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, अलग अलग जो रिपोर्ट्स आती है ना यूपीएससी बहुत पूछता है, ESVS सब में, ग्लोबल पीस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, या आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बहुत क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी का तो फेवरेट एरिया, स्टेट पीसेस में भी आता है। तो इनोवेशन के मामले में हम दुनिया में 133 में से 39 रैंक पर हैं अभी। लिख लिया, पिछले साल 40 थे, लास्ट ईयर जिन बच्चों ने पढ़ा होगा 40 रैंक थी, अभी नई रैंक में 39 पर हैं। ये अपडेट कर दिया है, नई रैंक में 39 पर आ गए हैं। जो पीडीएफ थी पिछली वाली मैं अपडेट कर दूंगा, चिंता नहीं करो, आपके फोल्डर में अपडेट करके मैं ऐड करूंगा उसको, ये डाटा तो हर साल अपडेट ही होगा। लिख लिया, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वाइपो रिलीज करता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया 39 पे है 133 कंट्री में से, 2023 में हम 40। 2 साल का डाटा इंपॉर्टेंट है, किसी किसी एग्जाम में पुराना क्वेश्चन उठा लेता है, अपडेटेड है 39, 2 साल की रैंक हमें पता होनी चाहिए, कई बार पिछला डाटा पिक कर लेता है, कहीं पेपर मान लो पहले बना दिया, तो 2 साल की रैंक जरूरी है, ऐसी अवार्ड भी 2 साल के याद करना जरूरी है। अब 7 तारीख कब, कल है ना 7 तारीख, कल से नोबेल प्राइज आना शुरू हो जाएंगे, तो नोबल वाला टॉपिक जब देखेंगे सब अपडेट करा दूंगा मैं। 2 साल के डाटा जरूरी है, अवार्ड में भी और इनमें भी, रिपोर्ट्स में भी। अगला पॉइंट सुनो, टॉप 3 कंट्री कौन है 2024 वाली रिपोर्ट में, टॉप थ्री कई साल से यही टॉप करता है स्विट्जरलैंड, कई साल से यही टॉप पर है, सेकेंड पे स्वीडन है, थर्ड पर यूएस, स्विट्जरलैंड टॉप पर, स्वीडन फिर यूएस, और 4 पे एशिया में टॉप पर कौन है आपसे पूछे तो सिंगापुर, एशिया में पूछे तो सिंगापुर। तो 2024 की रिपोर्ट में टॉप 3 कंट्री कौन रहे हैं, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएस और सिंगापुर, सिंगापुर रैंक 4। स्टेट पीसीएस में ऐसे पूछ देता है, ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएस, ऑप्शन 2 स्विट्जरलैंड, यूएस, सिंगापुर, ऐसे करके पूछता है, टॉप 3 कंट्री कौन रहे, तीनों का पेयर बना के पूछ देता है स्टेट पीसीएस में, बाकी जगह सिंगल लाइनर। अगला क्वेश्चन, एक संस्था का हमने नाम लिखा है यहां वाइपो, वाइपो, वाइपो के बारे में जरा एक दो लाइन जान लें। उससे पहले एक सवाल और, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये तो इंटरनेशनल रैंक आती है, पूरे वर्ल्ड में हमारा क्या स्थान है, इसी से इंस्पायर होकर नीति आयोग ने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स,
इसी से इंस्पायर होकर बना इंडिया इनोवेशन इंडेक्स IIII। इसमें स्टेट्स की रैंक जारी होती है इनोवेशन बेसिस पर। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वो तो वाइपो रिलीज करता है, उसी से इंस्पायर होकर नीति आयोग ने और एक एजेंसी और CII उन्होंने मिलकर शुरू किया था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये स्टेट की रैंक रिलीज करेगा इनोवेशन बेसिस पे, स्टेट की परफॉर्मेंस कैसी है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ये स्टेट की रैंक बताएगा कि इनोवेशन बेसिस पे स्टेट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसने शुरू किया? नीति आयोग ने और उसके साथ एक एजेंसी और थी CII। ये एज इट इज यहाँ लिख लिख दिया है, यहीं से देख लो, ये सेम पॉइंट लिखना है मुझे, यहाँ लिख दिया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग एंड द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस इन्होंने शुरू किया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। नीति आयोग ने और कॉम्पिटिटिवनेस करके इंस्टीट्यूट है, इन्होंने मिलकर शुरू किया था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो स्टेट की रैंक रिलीज करता है। द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स इट इज अ कंप्रेहेंसिव टूल फॉर द इवेल्युएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज इनोवेशन इकोसिस्टम। इट रैंक द स्टेट्स। स्टेट का डाटा जारी होगा, तो जब स्टेट की रैंक अगर नीचे होगी, परफॉर्मेंस खराब होगी, तो वो मोटिवेट होगा, इंप्रूव करेगा, स्टेट्स के बीच एक कम्पिटिटिवनेस वाली भावना आएगी, वो इंप्रूव करेंगे, स्टेट्स के अंदर कम्पिटिटिवनेस की भावना आएगी और वो इंप्रूव करेंगे, और जब स्टेट इनोवेशन में इंप्रूव करेंगे तो पूरे कंट्री की रैंक इंप्रूव हो जाएगी। जब स्टेट आपस में कंपीट करेंगे इनोवेशन में अच्छा करेंगे तो कंट्री की रैंक इंप्रूव हो जाएगी, यही है। ये वाले PDF में ऐड कर दूंगा, चाहो तो मत लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो, मैं ऐड कर दूंगा। ये पोर्शन जो है ये नीति आयोग के साथ आ जाएगा, जिस सिक्वेंस में पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे ध्यान रखना है बस आपको। इसमें कुछ इस पहले PDF में अवार्ड वगैरह के डाटा थोड़े पुराने हैं, वो अपडेट कर दूंगा मैं। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग ने शुरू किया इनके साथ मिलकर, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें स्टेट की रैंकिंग आएगी इनोवेशन बेसिस पे, और यूटी स्टेट और यूटी दोनों की रैंक जारी होगी, स्टेट और यूटी दोनों की रैंक जारी होगी, स्टेट मोटिवेट होंगे इनोवेशन में इंप्रूव करेंगे तो ओवरऑल कंट्री की रैंक इंप्रूव कर जाएगी। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से इंस्पायर होकर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग ने शुरू किया। अब हर साल इसकी रिपोर्ट नहीं आती है, पर लास्ट डाटा इसका जुलाई 2022 में आया था। हर साल इसकी रिपोर्ट नहीं आती, लास्ट डाटा जुलाई 2022 में आया था। तो स्टेट्स में, बड़े स्टेट्स में कर्नाटका टॉप पे था, छोटे स्टेट में मणिपुर, छोटे स्टेट में मणिपुर और यूटी में चंडीगढ़। तो 2021 लास्ट डाटा इसका यही है, जो आपके PDF में दे रखा है मैंने, ये अपलोड कर दूंगा मैं उसमें। तो इसमें स्टेट्स वगैरह जो है ये रैंक थी, 2022 में डाटा आया था, मेजर स्टेट जो है उसमें कर्नाटका टॉप पे था, तेलंगाना नंबर 2, हरियाणा नंबर 3, और नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया में देखे तो मणिपुर टॉप पे था। इतना पोर्शन चाहे क्लास के बाद नोट करना, या मैं PDF ऐड कर दूंगा उससे देख लेना, या जो लास्ट ईयर पढ़ाया था उसमें PDF दे भी रखिए, कंबाइंड करंट अफेयर PDF करके लिखा होगा, कंबाइंड करंट अफेयर PDF, काफी डाटा है, सर्च मार दोगे टॉपिक आ जाएगा डायरेक्ट। मेजर स्टेट नॉर्थ ईस्ट हिली एरिया और यूटी, ये रैंक थी। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का क्या मतलब था, ये हमें क्लियर हो गई बात, ठीक है। नीति आयोग से रिलेटेड ही दो मिशन, एक है अटल इनोवेशन मिशन, ये नीति आयोग के तहत ही PM ने अप्रूवल दिया था कि चलाया जाए अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन का पर्पस ये था
ऐसे इनोवेशन को इनकरेज किया जाए, बढ़ावा दिया जाए जिनका कोई इंडस्ट्रियल यूज हो। अटल इनोवेशन मिशन एक ब्रिज की तरह है कि जो रिसर्च, जो इनोवेशन हो रही है उसका कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो, कोई कमर्शियल यूज हो। तो नीति आयोग के तहत ही दो चीजें शुरू हुई थी, एक हुआ था अटल इनोवेशन मिशन और एक प्रोग्राम का नाम है सेतु, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन स्टार्टअप वगैरह को सपोर्ट करने के लिए। तो एक प्रोग्राम का नाम है अटल इनोवेशन मिशन और दूसरा है सेतु, दोनों नीति आयोग के अंतर्गत हैं। इसका पर्पस है इनोवेशन को बढ़ावा देना। जैसे आपने स्कूल्स वगैरह में सुना होगा अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए गए, सुना है ना, ये स्कूल्स वगैरह में गवर्नमेंट फंडिंग से अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई गई। यहाँ पे लैब वैब में मशीनें इक्विपमेंट्स दिए गए कि साइंस वाइंस बच्चे सीखें पढ़ें, वही आगे जाके टेक्नोलॉजी में आएंगे, इनोवेशन देश में बढ़ेगी। अटल टिंकरिंग लैब्स इसी का पार्ट है, अटल इनोवेशन मिशन जो है उसी के अंतर्गत अटल टिंकरिंग लैब्स। ठीक है, तो राइटअप पूरा बना रखा है मैंने, अटल टिंकरिंग, अटल इनोवेशन मिशन, सेतु और ATL, अटल टिंकरिंग लैब्स, ये रहा। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के अंतर्गत ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है इंडिया में इनोवेशन कल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। 2016 में ये सेटअप हुआ। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के अंतर्गत ही पीएम मोदी का अप्रूवल मिला, 2016 में ये सेटअप किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, नाम में लिखा हुआ है इनोवेशन को प्रमोट करना, इनोवेशन भी ऐसा जिसका कोई कमर्शियल यूज हो, कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वगैरह हो। इसी के तहत स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज कई तरह से उनको सपोर्ट किया गया है इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। लिखा है देखो, अटल इनोवेशन मिशन हैज टेकन ए होलिस्टिक अप्रोच टू इंश्योर क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इनोवेटिव माइंडसेट स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में और एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई, छोटे मझोले और लघु उद्योग जो होते हैं वो एमएसएमई बोलते हैं उसको। अटल टिंकरिंग लैब्स वगैरह स्कूल्स में बनाए गए, इक्विपमेंट्स, मशीन्स ये सब लैब में दिए गए जिससे बच्चे सीखें रोबोटिक्स के बारे में, मिनिएचराइज इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, ये सब चीजें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, 3D प्रिंटिंग, AI, ये सब चीजें बच्चे सीखें, उसके लिए अटल टिंकरिंग लैब्स लगाए गए। इनोवेशन सब ये अटल इनोवेशन मिशन का हिस्सा है, ये अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूल्स वगैरह में लगाए गए ATL। अटल इनक्यूबेशन सेंटर बनाए गए इंडस्ट्रीज स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए। भाई स्कूल्स को सपोर्ट करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए गए, स्टार्टअप वगैरह में इनोवेशन कैसे जोड़ा जाए, अटल इनक्यूबेशन सेंटर बनाए गए, AIC, अटल इनक्यूबेशन सेंटर, AIC। तो स्कूल्स वगैरह के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स, स्कूल्स के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स 6 से लेकर 12 तक के लिए, जिसमें वो इंटरनेट ऑफ थिंग, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स ये सब सीखें, और स्टार्टअप और इंडस्ट्रीज के लिए अटल इनक्यूबेशन सेंटर इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए ये बनाए गए। अभी हाल ही में एक अटल न्यू इंडिया चैलेंज, इसकी शुरुआत की थी। ये सब अटल इनोवेशन मिशन का पार्ट है, अटल इनोवेशन मिशन का हिस्सा है सारा का सारा। और इनोवेशन भी ऐसे जिनका कोई इंडस्ट्रियल यूज हो, कमर्शियल यूज हो, फालतू का इनोवेशन नहीं। ठीक है भाई, अटल न्यू इंडिया चैलेंज ये भी अटल इनोवेशन मिशन संबंधित है। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट टू क्रिएट प्रोडक्ट एंड सर्विस इनोवेशन हैविंग नेशनल सोशल इंपैक्ट, अटल इनोवेशन लॉज 24, चैलेंजेस पार्टनरशिप विद डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, इस सब इनोवेशन के क्षेत्र में काम हुआ है। और लास्ट है सेतु, सेतु ये स्टार्टअप के लिए। दूसरा मैंने बताया था सेतु, सेतु का फुल फॉर्म छोटे एग्जाम में क्या पूछ लेगा, सेतु का फुल फॉर्म बता दो। छोटे एग्जाम में पूछ लेगा सेतु का फुल फॉर्म बता दो। मेन कीवर्ड स्टार्टअप ध्यान रखना है, यहाँ स्टार्टअप के लिए है कि स्टार्टअप को शुरुआत में जो सपोर्ट चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, उसके लिए सेतु प्रोग्राम के तहत सपोर्ट किया जाएगा। तो अटल इनोवेशन मिशन और सेतु आसपास ही दोनों शुरू हुए थे। ये सेतु का फुल फॉर्म सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। तो जो यंग स्टार्टअप्स वगैरह हैं, इनोवेटिव माइंडसेट वाले जो लोग हैं, कैसे स्टार्टअप सक्सेस हो, कैसे आगे बढ़ें,
कोई स्किल डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग दी जाए, ये सब सपोर्ट सेतु से मिलेगा। पॉइंट समझ आ रहा है? नहीं, ये बताओ मुझे। तो नीति आयोग के दो प्रोग्राम मैंने बताया आपको, एक का नाम अटल इनोवेशन मिशन, उसके तहत स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स, स्टार्टअप के लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर और अटल न्यू इंडिया चैलेंज वगैरह लाए गए कि नए नए इनोवेटिव आइडियाज और पता चले, और स्टार्टअप वगैरह के लिए ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट उसके लिए सेतु प्रोग्राम, ये सब नीति आयोग के अंतर्गत आता है। एक है इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंडिया की रैंक 2023 में भी 42 था, अभी भी सेम है, 42 ही है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024, इसी को अपडेट करके 2024 लिख लो। और यूएस, यूके, फ्रांस 1, 2, 3, वो रैंक वही है, यूएस, यूके, फ्रांस, और कुछ बदला ही नहीं है, वही डाटा है ये, 42 रैंक पर ही है 2024 में भी, इसमें कुछ बदला नहीं है। तो अमेरिका की ही एक एजेंसी है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए वो रिपोर्ट जारी करते हैं, इस साल भी हम सेम रैंक पे हैं 42, और टॉप थ्री हैं अमेरिका, यूके और फ्रांस, अमेरिका, यूके एंड फ्रांस। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में हमारी क्या रैंक है 2024 का डाटा, 42 पे ही है, टॉप थ्री वही है, ये रिलीज करते हैं इसको। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है थोड़ा मैं समझा दूं जरा आपको पहले। देखो, एक बात बताओ, जो चोरी होती है क्या खाली गोल्ड, कार, खाली इन्हीं चीजों की चोरी हो सकती है क्या? क्या इन्हीं चीजों की चोरी हो सकती? अंकित तोमर, मैंने अभी आपको बोला है कि ये पीडीएफ मैं दे दे रहा हूं, पिछले वाले में पढ़ी भी है, पिछले बैच में पढ़ी भी है, अभी लाइव क्लास में लिख लोगे क्या? ये अभी लाइव क्लास में लिख लोगे सर? क्लास के बाद लिखना आराम से बैठ के, बता तो दिया ही है, बनी बनाई पीडीएफ भी दे दे रहा हूं, तो क्या लिखना है? अगला पॉइंट सुनो। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो हमने ब्रेन से सोच के, दिमाग से सोच के कोई चीज बनाई, आपने कोई इनोवेशन किया और आप वो आइडिया कोई और चोरी कर ले, या आपने बड़ी मेहनत से कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई टेक्नोलॉजी यूज की थी और दूसरा आया उसको कॉपी करके सेम प्रोडक्ट बना रहा, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो चोरी केवल इसी चीज की नहीं होती है, गोल्ड या फिजिकल चीजों की, आपके द्वारा बनाया गया कोई डिजाइन, कोई लोगो, कोई आपके द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं। ये सारी चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं, मतलब हमेशा एसेट कोई फिजिकल एसेट ही हो जरूरी नहीं है, आपके इंटेलेक्चुअल एसेट भी हो सकते हैं जिनको हम इनटेंजिबल कह सकते हैं। एक शब्द होता है टेंजिबल, एक शब्द है इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब है फिजिकल चीजें, कार, गोल्ड, ये सब, ये आपके टेंजिबल एसेट्स हैं, ये सब आपके टेंजिबल एसेट्स हैं। पर कुछ आपके इनटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं। आपने बड़ी मेहनत से कोई मूवी बनाई, कोई गाना लिखा, कोई किताब लिखी, दूसरा पर्सन आया सेम एज इट इज लाइन टू लाइन कॉपी कर दिया, तो जो पैसा रिवेन्यू आपको मिलना चाहिए था वो ले जा रहा है। पायरेसी करते हैं लोग, कॉपीराइट का वायलेशन करते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट्स, इनकी चोरी ना हो भाई, इनकी चोरी है तो भी नुकसान है, इनकी चोरी है तो भी नुकसान है, तो इन चीजों को नुकसान ना हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली चीजों को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, तो ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के आपके अधिकार हैं। तो इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कई तरीके की है,
मूवी है, बुक है, सॉन्ग है, उसके लिए कॉपीराइट का कानून है, मूवी वगैरह है उसके लिए कॉपीराइट का कानून है। ये ईएस में क्वेश्चन आया भी है, ईएस में आ चुका है दो बार, कॉपीराइट है। कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज है उसके लिए पेटेंट का नियम है, कॉपीराइट वगैरह की पूरी, ये सारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है इसकी एक पूरी पीडीएफ दे रखी है मैंने फोल्डर में, ईएस वाले बच्चे देखेंगे उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, यूपीएससी वालों के लिए, बाकी लोग ना पढ़े चल जाएगा, बाकी लोग बस एक एक दो दो लाइन देख लें, ईएस वालों के लिए पूरी पीडीएफ दे रखी है बनाकर जिसमें लॉज वगैरह बताए हुए हैं, ईएस में कैसा भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क आपने सुना होगा, लोगो वगैरह जो है, लोगो वगैरह को ट्रेड, जैसा आरोहन का लोगो है वो ट्रेडमार्क है, कोई और एजेंट कॉपी नहीं कर सकता। अगर मैंने आरोहन बनाया और कोई दूसरा सेम लोगो मेरे बाद बनाकर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर लेता ना, उल्टा मेरे पे केस कर देता। कई बार लोग क्या करते हैं, कई लोगों के काम ही यही है कि मैंने कोई कंपनी बनाई, एक लोगो बना दिया आरोहन का, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया ट्रेडमार्क में, कोई दूसरा आया उसने सेम लोगो बना के रजिस्ट्रेशन करा लिया, जो लोगो मेरा था पहले बना हुआ वो उसका मान लिया जाएगा और कोर्ट में वो जीत जाएगा, रजिस्ट्रेशन उसने करा लिया ट्रेडमार्क एक्ट में, ठीक है। तो कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, एक होता है इंडस्ट्रियल डिजाइंस, कोई जूते का डिजाइन है, बिल्डिंग का डिजाइन है, कोई यूनिक आपका लोगो है, कोई आपका कार का यूनिक डिजाइन है, जैसे जीप रैंगलर गाड़ी है, थार गाड़ी है, कोर्ट में मामला चला गया, कई सारे इस तरह के इशू। तो कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, अलग अलग जगह के यूनिक प्रोडक्ट हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग उनको दिया जाता है, जैसे बनारस में लाल पेड़ा को मिल गया, अभी कई सारे प्रोडक्ट हैं, तो अपनी अपनी जगह के फेमस प्रोडक्ट, तो सेम कोई चोरी ना कर ले, कॉपी ना कर ले, जीआई टैग मिलता है उनको, ये सब आईपीआर ही तो है और क्या ही है भाई। पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, जीआई और भी होते हैं, ये सब के सब आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आता है, और सबके लिए एक्ट बने हुए हैं, सबके लिए कानून बने हुए हैं। अगर इन कानूनों का वायलेशन होगा तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, अलग अलग देशों में नियम बने हैं इसके लिए, इंटरनेशनल लॉज भी बने हैं, नेशनल लॉज भी बने हैं। इंटरनेशनल लेवल पर आईपी को लोगों को अवेयर करना, आईपी के बारे में रूल बनाए जाए, मीटिंग कराई जाए, यही काम करता है आईपो। वाइपो जो है ना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो जारी करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे ये एजेंसी काम करती है वाइपो। ये 1967 में बनी थी, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा, और इसका अभी जो हेड है, अभी जो हेड है इस समय, उसका नाम है डैरेन टैंग, डैरेन टैंग हेड। जिनेवा कहाँ है भाई, स्विट्जरलैंड, कैपिटल नहीं है वहां का, फेमस सिटी है जैसे तुम्हारा मुंबई। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, फुल फॉर्म लिखा दिया था ना मैंने पीछे, फुल फॉर्म देखो लिखाया था शायद, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1967 में बना, जिनेवा हेडक्वार्टर, डैरेन टैंग। ये यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है, यूनाइटेड नेशन के बहुत सारी एजेंसीज हैं, ये भी उनमें से एक है। तो ये है स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन की ही स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, अलग अलग कामों के लिए यूएन की अलग अलग एजेंसीज हैं। वाइपो भी यूनाइटेड नेशन की ही स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, एथिक्स में ही पढ़ाया हुआ है मैंने, एथिक्स में पढ़ाया हुआ है, बाकी मैंने और डिटेल में, एक अलग से अभी सीजी प्रीलिम का एग्जाम हुआ था उसके लिए और डिटेल में पढ़ाया था, एक अलग से पूरी पीडीएफ बना दी आईपीआर की। एथिक्स में तो मैंने पढ़ाया था, एक अलग से पीडीएफ बना दी थी, सीजी प्रीलिम का पेपर हुआ था, इन्हीं एरिया का टॉपिक था पूरा पूरा ये, और खूब क्वेश्चन आए थे मेंस में, तो 20 में 17 क्वेश्चन आए थे जो पीडीएफ बना के दी थी मैंने सीजी प्रीलिम में, यही सब टॉपिक थे उसमें। तो एथिक्स मैंने पढ़ाया है, पर और डिटेल में किसी को देखना हो तो वो पीडीएफ देख सकता है, ईएस के फोल्डर में तो पड़ी भी हुई है, ठीक है। तो वाइपो 1967 बना, जिनेवा हेडक्वार्टर, डैरेन टैंग इसका हेड, यूएन की ही स्पेशलाइज एजेंसी है ये। तो क्या काम करेगा इंटरनेशनल लेवल पे आईपीआर के रिलेटेड, नेशनल लेवल पे तो हमारी अपनी एजेंसी करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे वाइपो करता है डील। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टेक्नोलॉजी या कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जो भी, अब जैसे पर पेटेंट है, पेटेंट मिलता है जहां पर इनोवेटिव काम हो, कुछ टेक्निकल वर्क कुछ इन्वॉल्व हो, टेक्निकल वर्क या इनोवेशन वाला काम होता है उसके लिए पेटेंट दिया जाता है। टेक्नोलॉजी जहां पे इन्वॉल्व हो, पेटेंट के लिए मेन चीज है टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो या इनोवेशन वाला कोई काम है उसके लिए दिया जाता है पेटेंट। पेटेंट एक्ट आ चुका है एग्जाम में ईएस में, कॉपीराइट दो बार आ चुका है, पेटेंट पे भी क्वेश्चन आ चुका है ईएस में।
ठीक है, तो टेक्नोलॉजी या इनोवेशन जहां पर इन्वॉल्व हो। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में अब देख बात बताओ, दुनिया में जहां ज्यादा रिसर्च हो रही होगी, ज्यादा पेटेंट वगैरह हो रहे होंगे, ज्यादा ट्रेडमार्क हो रहे होंगे, तो इसका मतलब वहां पे ज्यादा काम हो रहा है इन सब चीजों का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उन जगहों पे ज्यादा काम हो रहा है इसका मतलब। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में जो रैंक पब्लिश होता है, वही रैंक मैंने लिखवाई इंडिया 42 नंबर पे 55 में से। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन वगैरह कितना है, कितने अच्छे लॉज हैं हमारे, कितने बेटर लॉ हैं, कितने लोग पेटेंट अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी चीजें मिलाकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसके बारे में इंडेक्स आता है। कि हमारे जैसे कॉपीराइट है, हमारे को रूल ही नहीं है भाई, मैंने कोई चीज बनाई वो कोई भी शेयर कर दे रहा है, पायरेटेड वीडियो डाल दे रहे हैं, सब इंस्टीट्यूट का ऐसी कर रहे हैं, तो पायरेसी वगैरह के लिए हमारे इतने अच्छे रूल्स हैं ही नहीं, इतने स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं है। अमेरिका यूरोप वगैरह में बड़े स्ट्रिक्ट लॉज हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन भी हमारे यहाँ कैसी है, ये सारी चीजों को ध्यान रख के तब निकाला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स वाली रैंकिंग, ये जो रैंक है। तो सेम रैंक है, लास्ट ईयर जो डाटा था इस बार भी वही डाटा है, इंडिया 42 पे है, अमेरिका यूके फ्रांस टॉप 3, बाकी जरूरत नहीं है, वही नीचे लिखा हुआ है, देखो ये सब वही लिखा हुआ है। पॉइंट समझ आ गया, नीचे जो पॉइंट लिखा है वही लिखा है, पेटेंट कॉपीराइट ये सब आईपीआर का पार्ट है। मोहित पराशर बोल तो रहा हूँ, आईपीआर पूरा पीडीएफ दे रखी है, पढ़ा भी रखा है, 7 लेक्चर लगभग हैं उसके, तो बहुत डिटेल में जानना है तो वो लेक्चर पढ़े, देखो जरूरत नहीं है, पर बाकी एग्जाम के लिए ईएस वाले चाहे तो देखें, बाकी लोगों को जरूरत नहीं है, या सिविल सर्विसेज वाले को देखना है तो देखें, बाकी लोग मत चक्कर में पढ़ो, फिर 7 लेक्चर है लगभग इसके, 30 पेज की पीडीएफ है, उसमें एक एक के बारे में डिटेल में बात कर रखी है मैंने, पेटेंट में सब बताया हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि नीति आयोग अगर की बात कर रहे थे तो इनोवेशन की बात करनी थी, इनोवेशन की बात होगी तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात भी होगी, इसलिए सबको मिक्स करके मैंने पढ़ा दिया एक बार में। कभी भी रिपोर्ट्स पढ़ोगे अखबार में, करंट अफेयर में, तो पता चलेगा भी किसकी बात हो रही है। तो ये आपका हो गया आईपी इंडेक्स। नीति आयोग का ही एक प्रोग्राम है विजन इंडिया @2047। क्या सुन रहे हो कि 2047 तक इंडिया डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा, उस प्रोग्राम का नाम क्या है, विजन इंडिया @2047 नीति आयोग ने प्रिपेयर किया, विजन इंडिया @2047। अर्ली 2024 में पीएम मोदी इज एक्सपेक्टेड टू अनवील ए रोड मैप टू ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ डेवलप्ड कंट्री, और हमारी इकोनॉमी का साइज वो $30 trillion करने का टारगेट है। अभी तो $5 trillion होना है, पहला टारगेट है अभी एक साल में, एक दो साल में $5 trillion होना, और 2047 तक के लिए टारगेट रखा है $30 trillion इकोनॉमी इंडिया बनेगा, क्योंकि हम 100 ईयर आजादी के पूरे करेंगे। इस साल की शुरुआत में मोदी जी ने क्या कहा कि $30 trillion इकोनॉमी हमें बनना है, 100 साल हम पूरे करेंगे 2047 में, विकसित भारत जो बार बार बोल रहे हैं वो यही प्रोग्राम है विजन इंडिया @2047। और ये कौन इनिशिएट कर रहा है, प्लानिंग वानिंग, नीति आयोग। इसका ब्लूप्रिंट कौन तैयार करेगा, नीति आयोग। कैसे होगा, क्या क्या चीजें करनी है, थिंक टैंक गवर्नमेंट का नीति आयोग ये इसका ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। तो विजन इंडिया @2047 इज अ प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय नीति आयोग, ये इसका ब्लूप्रिंट तैयार करेगा नेक्स्ट 25 साल के लिए क्या करना है, मेक इन इंडिया, ग्लोबल लीडर, इनोवेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। ये प्रोग्राम विजन इंडिया क्वेश्चन क्या है, विजन इंडिया 2047 की कौन सा एजेंसी तैयार कर रहा है इसका ब्लूप्रिंट, नीति आयोग, ये भी नीति आयोग का ही है। आईपीआर मैंने पढ़ा रखा है अंकित तोमर, मैं कह रहा हूं किसी को और डिटेल में रीड करना हो तो पीडीएफ देखे, अदरवाइज नहीं नीड है, और डिटेल में देखना हो तो देखे, अदरवाइज नीड नहीं है, पढ़ा रखा है मैंने डिटेल में विजन इंडिया @2047। ऑब्जेक्टिव इसके शॉर्ट में जो थ्योरी है शॉर्ट में लिख दिए, क्या क्या इसमें करने वाले हैं, इसमें क्या क्या करने वाले हैं, ये रहा। पर कैपिटा बढ़ेगा,
उसको बढ़ाना है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, यही सब होगा और क्या होगा? तो जिस सीक्वेंस में जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं उसी सीक्वेंस को फॉलो करते जाना। पीडीएफ में फोल्डर में डाल दूंगा, पर पीडीएफ में जैसे अवार्ड मैंने भी नहीं पढ़ाया तो अवार्ड में अपडेशन वगैरह करूंगा तब उसको देखना, सारा मत पढ़ने बैठ जाना। चाहे तो पीडीएफ में से उतना उतना पोर्शन निकाल के साथ में चिपका लेना टॉपिक के। जिस सिक्वेंस में जैसे जैसे चल रहा हूँ उतना उतना ही देखना है। अब मैंने पीडीएफ से जितना पोर्शन अभी दिखाया है उतना पोर्शन पे फोकस करना, चाहे लिख रहे हो चाहे प्रिंटआउट निकाल के लगा रहे हो, उतना ही पोर्शन। अपने अपना दिमाग मत लगाना, जितना जितना जैसे जैसे बता रहा हूँ उसी सिक्वेंस में चलते जाना है। जैसे नीति आयोग के साथ साथ अभी मैंने जितनी चीजें बताई हैं वो यहां तक का काम खत्म। पूरी पीडीएफ में दिमाग मत लगाना अभी, जहां जहां अपडेशन करने होंगे मैं साथ साथ करता चलूंगा। पीडीएफ में डाल दूंगा फोल्डर में, पर उसमें से उतना उतना पोर्शन अभी ध्यान देना जिस सिक्वेंस में मैं चल रहा हूँ, नहीं तो लास्ट में फिर परेशान होगा, सर ये पहले पढ़ना है कि वो करना है। जिस सिक्वेंस में चल रहा हूँ वैसे ही चलना है। आज मैंने सिर्फ नीति आयोग के बारे में बात की है, उससे रिलेटेड चीजें सब बताया। ठीक, तो विजन इंडिया एट द रेट 2047, क्या क्या उसके प्रोविजंस, क्या क्या उसमें करने वाले हैं। अभी जो पॉइंट्स हैं, जो इतने सारे पॉइंट लिखे हैं, ये यूपीएससी क्वेश्चन हो गया। सिविल सर्विसेज में या ईएस में 3 लाइन लिख देगा, कौन कौन सा है बताओ, 1 2 3, 2 3। छोटे मोटे एग्जाम में क्या आएगा, विजन इंडिया एट द रेट 2047 किसका प्रोग्राम, नीति आयोग। छोटे मोटे एग्जाम में प्रोग्राम का नाम बता दो। यूपीएससी सिविल सर्विसेज ईएसएस एग्जाम में क्या प्रोविजन रखेंगे, तो प्रोविजन कुछ भी नहीं। साफ साफ पता लग रहा है भाई पर कैपिटा बढ़ाना है, इंडिया को इतने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना है, यही है मेन प्रोग्राम। इन्वायरमेंट को ठीक रखना है, जीडीपी साइज 30 ट्रिलियन ले जाना है। ठीक है, चलो यहां तक की कथा समाप्त। ये सब कुछ नहीं पढ़ना अभी, छोड़ो इसको। आईपीआर वगैरह बता दिया मैंने। आईपीआर की डेफिनेशन किसी को नोट करनी हो, मैंने बताया था अभी, इनटेंजिबल एसेट, ऐसी चीजें जिनको छू के हम देख नहीं सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन को नोट करना चाहे ये देख ले इतना पार्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, ये डेफिनेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर ए सेट ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। अभी बताया, इनटेंजिबल एसेट जो फिजिकल नहीं है, दिख नहीं रहे हैं, पर उनको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इंटेलेक्चुअल आपने कुछ काम किया है वो भी आपका एसेट है, आपकी मेहनत है उस पर, तो इनटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन इतना पार्ट। ईएस वाले फोल्डर में पीडीएफ पड़ी है, बाकी लोग चाहें तो बस इस पेज का फोटो ले लो या क्लास के बाद नोट कर लेना। बस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, नहीं भी लिखना है तो मत लिखो, समझा मैंने दिया ये क्या मतलब है, बता मैंने दिया ही है। इनटेंजिबल एसेट जो होते हैं वो भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट है, उनके प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग तरह की चीजें बनी। पेटेंट टेक्नोलॉजी वाले को देते हैं, कॉपीराइट मूवी सॉन्ग बुक उनके लिए, ट्रेडमार्क लोगो वगैरह इसमें आता है। तो अलग अलग एसेट्स के लिए अलग अलग तरह के आईपीआर बने हुए हैं। ठीक है, चलो ये सब, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, वो सब नहीं, जितना मैं बता रहा हूं बस उतना, ये सब कुछ जरूरत नहीं है। नीति आयोग में एक जीके का क्वेश्चन है, पहले वाइस चेयरमैन कौन थे नीति आयोग में। नीति आयोग जब बना है इसके फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन थे, नीति आयोग के फर्स्ट वाइस चेयरमैन, फर्स्ट वाइस चेयरमैन का नाम था अरविंद पनगढ़िया। अरविंद पनगढ़िया और फर्स्ट
सीईओ वो थी सिंधु श्री खुल्लर, फर्स्ट वुमेन भी और पहले सीईओ भी। अरविंद पनगड़िया पहले चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, और सीईओ सबसे पहले बनी थी सिंधु श्री खुल्लर, और ये फर्स्ट वुमेन भी थी यहां पर। तो अरविंद पनगड़िया ये वही पर्सन है जो 16th फाइनेंस कमीशन, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन बने हैं। 16th फाइनेंस कमीशन पॉलिटी में पढ़ा था, 16वां वित्त आयोग जो 5-5 ईयर के लिए फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है, जो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है, रिपोर्ट देती है टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्टेट के बीच कैसे करो, स्टेट को फाइनेंशियल एड दी जाए उसके बारे में। तो अरविंद पनगड़िया वही हैं जो प्रेजेंटली 16th फाइनेंस कमीशन जो बनी है उसके चेयरमैन हैं, प्रेजेंटली चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। अब जिनको पॉलिटी नहीं पता, पॉलिटी नहीं पढ़े हैं, फाइनेंस कमीशन क्या होती है, हर 5 ईयर के लिए, कोई नोट कर रहे हैं तो नोट करो, हर 5 ईयर के लिए प्रेसिडेंट बनाते हैं फाइनेंस कमीशन, जो करंट अफेयर पीडीएफ है उसमें भी दिया हुआ है, करंट अफेयर पीडीएफ में भी दे रखे हैं। तो 16th फाइनेंस कमीशन हर 5 ईयर के लिए राष्ट्रपति बनाते हैं फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हर 5 ईयर के लिए प्रेसिडेंट बनाएंगे फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का काम होता है रिपोर्ट देना, गवर्नमेंट को ये रिकमेंड करना कि सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, स्टेट को फाइनेंशियल एड कैसे दी जाए, और क्या मेजर्स लिए जाएं कि स्टेट के पास रिसोर्सेज बढ़े, स्टेट स्ट्रेंथन हो फाइनेंशियली, क्या मेजर्स लिए जाए। तो वित्त आयोग जो बनता है प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं हर 5 ईयर के लिए। मैं बता रहा हूँ, कोई लिख रहा है तो लिख ले, पॉलिटी में पढ़ा चुका हूँ मैं। तो फाइनेंस कमीशन हर 5 ईयर के लिए बनता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इसमें एक चेयरमैन होता है, बाकी और मेंबर होते हैं। चेयरमैन अरविंद पनगड़िया है। अभी काम क्या है इसका, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देना कि सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स का बंटवारा कैसे करो। दूसरा काम है फाइनेंशियल एड, सहायता जो सेंटर से स्टेट को जा रही है वो कैसे दी जाए, और क्या तरीके, क्या मेजर्स लिए जाएं कि स्टेट वगैरह भी स्ट्रेंथन कैसे हों, कैसे उनके रिसोर्सेज बढ़ें, ये फाइनेंस कमीशन ये वर्क करती है। तो जो मैंने ये काम बताया ये चाहे तो नोट कर लो, पीडीएफ में लिखे भी हैं, क्लियर है। तो अरविंद पनगड़िया भी इसके चेयरमैन है। 15th फाइनेंस कमीशन जो भी चल रही है, कुछ टाइम में खत्म होगी, उसके चेयरमैन कौन रहे, एन के सिंह। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एन के सिंह, 15th फाइनेंस कमीशन एन के सिंह ये चेयरमैन है। ठीक है, चलो क्लास इतना ही रखते हैं। अब कल हम देखेंगे जीएसटी के बारे में, नीति आयोग कंप्लीट हो गया, अब कल हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। देखो क्लास समझ लो, जो भी नए बच्चे हैं, जो टॉपिक जिस क्लास में शुरू होगा, दाएं बाएं जितनी भी चीजें हैं सब कंप्रेहेंसिव तरीके से पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से आए बना लोगे आप। एक क्लास नीति आयोग में, नीति आयोग के साथ साथ हमने अगल बगल का सब जोड़ लिया, अब कल जीएसटी पढ़ेंगे, तो जीएसटी के साथ जितनी चीजें हैं वो सब कवर हो जाएंगी, टैक्स वैक्स आपको समझ में आने लगेगा। ईरान इसराइल के लिए बड़ा लोग परेशान है, जब वो पढ़ाऊंगा तो ईरान इसराइल नहीं, उसकी कहानी बैकग्राउंड वैकग्राउंड सब समझ में आ जाएगा, आसपास जोड़ के पूरी कहानी पढ़ाऊंगा। तो जो भी होगा जिस क्लास में, अब 2 घंटे बीत गए मुझे पता भी नहीं चला, पर जो भी होगा वो सारा जोड़ के कंप्रेहेंसिव पढ़ाया जाएगा। जब कंटेंट होगा क्वेश्चन जो मर्जी पूछ ले पैर से टिक कर दोगे, ठीक है। कल एक बच्चे की शिकायत थी कि सर बीच बीच में क्लास ऑफ हो जाती है, कल से पहले 3 दिन लगातार क्लास चली, कल ऑफ दिया, फिर आज क्लास हो गई, 3 दिन लगातार क्लास के बाद कल ऑफ था, और मैंने बोला भी था उससे पहले कि थ्रोट कुछ दिक्कत कर रहा है, गले में कुछ दिक्कत हो रही है, आवाज बदल भी पता भी चल रहा होगा। पर फिर एक बच्चा भेज रहा, सर अगले महीने पेपर है, क्लास ऑफ। अरे भैया जीके करंट अफेयर पढ़ा चुका हूं मैं, पिछली बार भी पढ़ा चुका हूं, और उसमें भी मई तक की थ्योरी पढ़ा दी थी, फिर 19 जुलाई को करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए थे, और 31 अगस्त को भी क्वेश्चन की पीडीएफ दी थी। तो जिनको बहुत जल्दी है, जिनका 15 दिन में पेपर है, वो फोल्डर में पढ़े तो हुए, 54 लेक्चर पढ़े हुए हैं। जिनके पेपर 15 दिन में है, 10 दिन में, वो भी देख सकते हैं, या जिस दिन ऑफ है भाई, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, दुनिया भर के सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, मेरे ही पढ़ाए, जल्दी पढ़ाए हुए, तो स्टैटिक सब्जेक्ट देख लो,
क्लास इतना कंटेंट पढ़ा हुआ है कि अब ये नहीं कह सर क्लास ऑफ हो रही है, टाइम कम पड़ रहा है, इतना कंटेंट पढ़ा दिया है पिछली बार भी और फिर रिपीट दोबारा भी करवा रहा हूँ लाइव में ही, पीडीएफ भी सब बना बना के दे रखे हैं। ठीक है, अब हिस्ट्री है, हिस्ट्री किसी को मान लो आरआरबी के लिए पढ़ना है तो हिस्ट्री में कुछ बदलेगा नहीं, हिस्ट्री एक साथ में कवर कर लो टाइम मिल रहा है तो, एनवायरमेंट कर लो, ऐसे सब्जेक्ट कर लो साथ में। भाई टीचर एक है, काम बहुत है। ठीक है चलो क्लास, थैंक यू, गुड नाइट। कल टॉपिक होगा जीएसटी के बारे में, कोशिश करेंगे कल 2-2.5 घंटे जो लगे वो जीएसटी हम पूरा पढ़ा लें। ठीक है क्लास, थैंक यू।